हेलो स्टूडेंट्स एम आई ऑर्डेबल गुड इवनिंग टू एवरी वन मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को कैन यू हियर मी आउट क्लियरली और नॉट जस्ट टेल मी बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को या गुड इवनिंग निशा प्रिंसी अफदेश डायनेमिक एजुकेशन लोकेश एवरी वन जितने भी बच्चे हैं बेटा आप लोगों को मेरे मॉलिकुलर मार्कर्स एंड देयर एप्लीकेशंस और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा जल्दी जल्दी अभी कवर अप करने की कोशिश करेंगे सो आई कैन फिनिश एज मैनी एज टॉपिक्स बिफोर योर एग्ज़ाम और आपको दो चार पाँच दिन का टाइम भी चाहिए होगा एग्ज़ाम के पहले तो उसको ध्यान में रखते हुए अब डेली क्लासेज मैं लूँगा तो हो सकता है आप लोगों की लेट नाइट भी क्लास हूँ ठीक है हु? लेट नाइट मतलब नौ बजे से दस बजे से ठीक है इतना ज़्यादा मैं करा सकता हूँ आप लोगों को मेरी साइड से मैं उतना कराने की कोशिश करूँगा ठीक है जितना भी टाइम हम लोगों के पास बचा है और जो टॉपिक्स हैं टॉपिक्स मैं वो चूज़ करूँगा कि जहाँ से आपको 100 परसेंट एक एक क्वेश्चन मिले ही तो एक दिन में अगर हम दो टॉपिक फिनिश करेंगे तो आपके दो क्वेश्चन मतलब हो जाने चाहिए वहाँ से ठीक है तो एक एक दो दो एक एक दो दो क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे जो अभी तक आप लोगों ने जो भी मेहनत कर रखी है वो आपके साथ में है ही है तो ये आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा ठीक है जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में चलिए मोलिकुलर मार्कर्स की बात करते हैं सबसे पहले तो मोलिकुलर मार्कर्स है क्या हु? देखो मोलिकुलर का मतलब डीएनए से है मार्कर्स तो आपके बायोकेमिकल मार्कर्स भी होते हैं या मोरफोलॉजिकल मार्कर्स भी होते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स हैं या फिर आपके जो बायोकेमिकल मार्कर्स हैं जिनको हम एंजाइम्स या प्रोटीन की फॉर्म में देखते हैं तो उनके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो डीएनए बेस्ड मार्कर्स या मोलिकुलर मार्कर्स पे पूछा जाता है हु? तो मार्कर बेसिकली होता क्या है जिससे हम किसी चीज को पहचान सकें ठीक है किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकें तो डेफिनेशन बेसिक मैंने यहां पे इसलिए ये जो है पीपीटी यूज कर रहा हूं मैं वेरी इजीली इन शॉर्ट टाइम पता है कि डीएनए जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो उसके अंदर वेरिएशन भी आते हैं तो जो पोलिमोरफिजम है किसी भी पर्टिकुलर मार्कर की वो हम लोग इनहेरिटेंस पैटर्न के थ्रू स्टडी कर सकते हैं सो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट एसेज अलाउ द डिटेक्शन ऑफ द सीक्वेंस डिफरेंसेस ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि अगर हम दो ने को कर पा रहे हैं तो वो एक मार्कर की तरह काम कर रहा है ठीक है तो वो एक मार्कर की तरह काम कर रहा है और मार्कर जो है वो आपके थ्रू आउट द जीनोम क्योंकि हमारा जीनोम तो बहुत बड़ा है वैसे मार्कर्स आपके वायरसेस में भी होते हैं आपके वैसे ही मतलब बैक्टीरिया में भी मिलते हैं लेकिन वहाँ पे जो जीनोम का साइज है वो बहुत छोटा होता है तो जो नंबर है मार्कर्स का वो बहुत कम है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जीनोम का साइज है वो बहुत बड़ा है और जीनोम का साइज बढ़ने की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ठीक है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का मतलब ये है हम लोग मार्कर्स यूज करते हैं लेकिन मार्कर्स के बेसिस पे हम लोग सारी चीजें स्टडी नहीं कर पाते इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स तो वहां पे चीजों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है किस तरीके करते हैं तो फिंगरप्रिंटिंग भी एक टाइप का मार्कर है ठीक है वीएनटीआर मार्कर्स बोलते हैं तो वीएनटीआर मार्कर्स में हम लोग पूरे के पूरे जीनोम को टारगेट नहीं करते ठीक है ध्यान देना इस बात को इस बात पे ध्यान देना बेटा ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में वहां पर हो क्या रहा है हु? तो आप लोग यह समझने की कोशिश करो कि हम लोग जो टारगेट करते हैं, हैं। और और है, तो सारी सारी टर्मिनोलॉजी है वो एक जैसी है उसमें कोई फर्क नहीं है तो कहने का मतलब ये है जब जीनोम का साइज बड़ा हो जाता है तो उसमें हम कुछ 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 ही सीक्वेंस को टारगेट करते हैं पूरे के पूरे जीनोम को टारगेट करके हम लोग किसी एक स्पेसिफिक मार्कर को यूज नहीं करते हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसको आप लोग लिख लिया करो कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ेगी तो हम लोग उसके अंदर से केवल स्पेसिफिक सेगमेंट्स को ही टारगेट करते हैं ठीक है कि हमें उन्हीं का आइडेंटिफिकेशन करना है उन्हीं को देखना है उन्हीं की सीक्वेंस में क्या वेरिएशन है वो चेक करना है ठीक है हमें पूरे के पूरे जीनोम की जो है वेरिएशन नहीं देखनी है कई बार जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूं कि सर ये मालिकल मार्कर्स हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं हम सीधे सीधे डीएनए सीक्वेंसिंग क्यों निकल लेते हैं तो आप ये सोचो कि अगर ह्यूमन ह्यूमन का जीनोम का पूरे का पूरा डीएनए आप सीक्वेंस कराने लग जाओगे तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा और टाइम लगने का मतलब ये है पैसा भी खर्च होगा ठीक है हुँ? पैसा भी खर्च होगा टाइम भी लगेगा उसके बाद जब आप एनालिसिस करने बैठोगे तो एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपके पास कितना है 1.6 बिलियन बेसिस की सीक्वेंस होगी और अगर उसमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स का आप जो है करा रहे हो तो उसमें तो और ज्यादा हो जाएगा है कि नहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कम करते हैं बाय टारगेटिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस या गुड इवनिंग चंदन तो ये बेसिकली मार्कर्स हमारे क्या है दो इंडिविजुअल्स या जो भी कोई डीएनए की सीक्वेंस है उनमें डिफरेंस बताने के लिए उन दो डीएनए सीक्वेंसेस के बीच में जो हमारे पास हैं या हमने कहीं से आइसोलेट की हैं या हमारे पास आई हैं चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल्स की हो किसी भी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए या कोई स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस हमारे पास है तो उनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं वॉलिकुलर मार्कर्स का ठीक है हेलो मिस्त्री गुड इवनिंग गुड इवनिंग चंदन ठीक है तो देखो हम लोग जो है यहाँ पे कुछ पी सी आर बेस्ड मार्कर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ नॉन पी सी आर बेस्ड मार्कर्स हैं, ठीक है और इसमें मैं नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर्स में आप लोगों का ये भी इंक्लूड कर देता हूँ माइक्रो सैटेलाइट्स जिनको आप अलग अलग नाम से जानते हो माइक्रो सैटेलाइट्स ठीक है स्पेलिंग शायद ठीक नहीं है ये ठीक है ठीक कर लेना इसको स्पेलिंग इस को देख लेना वाइक्रो हम इसमें आपके ये आ जाते हैं ठीक है एस एस आर या आप आई एस एस आर कह लो ठीक है या आप इसको क्या कह लो एस टी आर कह लो ठीक है या फिर इन तीनों को कंबाइन मिला के वी एन टी आर कह लो कुछ भी कह सकते हो ठीक है या सभी को वी एन टी आर भी कह सकते हो के नाम भी आप लोगों को बताए जाएंगे सैटेलाइट्स का मतलब रिपिटेटिव डीएनए होता है ठीक है और अगर हम बात करें रिपिटेटिव डीएनए मिलता है स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने पढ़ी होगी उसके अंदर आपको बताया गया होगा कि कहां कहां पे डीएनए प्रेजेंट होते हैं नहीं भी बताया गया तो मैं बात करूंगा उसके बारे में हुँ? तो देखो जहां पे हम लोग पीसीआर का यूज नहीं करते हैं ठीक है वो आपके दो मार्कर हो गए एक तो आरएफएलपी हो गया इसमें तो होता ही नहीं है जो माइक्रो सैटेलाइट्स वाले हैं उनमें आप लोग पीसीआर का यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते तो दोनों ही चीजें हैं वहां पे इनको ठीक है बाकी पीसीआर बेस्ड भी होता है ठीक है ऐसा नहीं है अगर आप लोग दोनों जगह कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर आप डायरेक्टली प्रोब के करके उसके बाद प्रोब का यूज कर रहे हो देन इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ पीसीआर बेस्ड मॉलिकुलर मार्कर्स तो बेसिकली एस एस आर या आई एस एस आर एस टी आर या फिर वी एन टी आर को अलग रखना आप लोग और आप लोगों को सीधे सीधे दो नंबर में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कौन सा ऐसा मार्कर है मोलिकुलर मार्कर है जिसके अंदर पीसीआर यूज नहीं होती है यह क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा ऐसा मोलिकुलर मार्कर है जिसके अंदर दो बार डज एनी वन नो कि कौन से मॉलिकुलर मार्कर में हम लोग दो बार पीसीआर यूज करते हैं डबल कोई बच्चा बताएगा मुझे कोई भी बच्चा चंदन मिस्त्री लोकेश निशा दीपक अवदेश प्रिंसी डायनेमिक एजुकेशन हु? जितने भी बच्चे हैं बेटा कोई बच्चा मुझे आंसर करो कैन यू टेल मत कर इज द ओनली मोलिकुलर मार्कर जहां पे हम लोग दो बार पीसीआर करेंगे ठीक है दो बार पीसीआर का यूज होगा यहां पे ठीक है चलिए इसकी बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टी पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और सबसे पहले कि इस पे भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा चुका है कि आइडियल जो जेनेटिक या मोलिकुलर मार्कर होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हु? तो सबसे पहली कि इट मस्ट बी पोलीमोर्फिक पोलीमोर्फिक का मतलब चेंज से होता है ठीक है कि अगर आप मल्टीपल सीक्वेंसेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म से उठाते हो तो उनके बीच में कुछ चेंज होना चाहिए अगर चेंज नहीं होगा अगर वो पॉलीमॉर्फिक नहीं होगा तो वो मोलिकुलर मार्कर अच्छा नहीं है क्लियर हो गई बात क्लियर है बेटा तो पॉलीमॉर्फिक मतलब चेंज से है आप म्यूटेशन को समझ सकते हो वो भी एक टाइप का चेंज होता है <coughs> हाँ बेटा मैं बताऊंगा एFLP आएगा मैंने ऐसे ही बता दिया है ठीक है टू टाइम्स हम लोग यूज करते हैं तब डबल पीसीआर वहाँ पे यूज होता है ठीक है इसके बाद वो आइडियल मार्कर होगा जो कि कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस शो करे कोडोमिनेंस एक मदर का एक फादर का ठीक है इसके जो बैंड्स है फादर के वो यहां पे हैं मदर के यहां पे ठीक है अब अगर मान लो इनका कोई चाइल्ड होगा सन होगा या डॉटर होगी ठीक है चाइल्ड यहां पे लिख देते हैं तो चाइल्ड के अंदर 50 परसेंट बैंड कहां से आएंगे 50 परसेंट विल कम फ्रॉम द फादर एंड 50 परसेंट विल कम फ्रॉम द मदर इसका मतलब यह है कि जो को डोमिनेंट इनहेरिटेंस शो करते हैं वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो उन मार्कर्स को यूज करके यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई इजिली आइडेंटिफाई किस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो इजिली आइडेंटिफाई हेट्रोजाइगोर्स फ्रॉम मोजाइगॉट्स ठीक है ये भी बात होगी बाद में मैं बताऊंगा सारी चीजें ठीक है मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस कंडीशन है ये भी आप देख के बता सकते हो ठीक है ठीक है अगर वो पर्टिकुलर मार्कर किस टाइप का पैटर्न शो करता है अगर वो पर्टिकुलर मार्कर कोडोमिनेंट है तो देन यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन जो भी आप पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उस मार्कर को यूज कर रहे हो उस उस मार्कर की जो जो प्रेजेंस है मतलब उसकी जो प्रेजेंस है वो पूरे के पूरे जीनोम के अंदर होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि एक छोटे से पार्ट में वो मार्कर प्रेजेंट है और बाकी के रिमेनिंग जीनोम के अंदर बाकी रिमेनिंग डीएनए के अंदर वो नहीं है ठीक है तो इसका मतलब तीसरे पॉइंट का भी आपको समझ में ये आना चाहिए तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी इवनली एंड फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म चौथा पॉइंट ये है कि इजी होना चाहिए जो मेथड है वो इजी होना चाहिए फास्ट होना चाहिए क्विक होना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है आ, उसको डिटेक्ट कर सको चीप होना चाहिए मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए एक ये है इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब जो भी कोई पर्सन काम करता है मोलिकुलर मार्कर्स के साथ में हु? क्या होता है कि मान लो कि मैंने कोई मेथड ने उसका जो है ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन किया optimization करने के बाद मैंने अपना पब्लिश कर दिया किया था उसी मेथड को यूज करके किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन ने रिसर्चर ने उसी डेटा को रेप्लीकेट करने की कोशिश की कि देखो मैं इसको यूज करके देखता हूं यह चीज रेप्लीकेट होती है कि नहीं होती है? तो अगर वो दूसरी लैब में वो है ना सो दिए so जो मार्कर होना, होना चाहिए आपने अगर कोई मेथड डिराइव किया है कोई मेथड बनाया है इनोवेट किया है जो भी चीजें तो वो एक लैब से जब दूसरी लैब में जाए तो वो चीज रिप्रोड्यूस होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है तो ये मैंने चार पाँच पॉइंट आप लोगों को बताए यही इंपॉर्टेंट हैं और यही एक आइडियल मोलिकुलर मार्कर की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जैसे हम लोग वेक्टर्स की जो वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं आरडीटी में तो वहां पे भी आइडियल वेक्टर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि मार्कर जीन होनी चाहिए एक उसके अंदर एम होनी चाहिए हु? या उसके अलावा जो है ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए या फिर उसके अंदर और भी और भी बहुत सारी चीज़ें तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मल्टीपल कॉपी नंबर होना चाहिए तो वैसे ही एक जो मोलिकुलर मार्कर है ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपको पता होनी चाहिए इस पर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलीमॉर्फिज्म होनी चाहिए कोडोमिनेट्स होना चाहिए इसके अलावा जो है थ्रू आउट द जीनोम वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए वो पर्टिकुलर मार्कर इसके अलावा फास्ट चीप चीप और ईजी होना चाहिए और इसके अलावा फाइनली क्या है वो हाईली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए अदरवाइज वो जो टेक्निक होगी वो आपकी सेंसिटिव नहीं है इनफ सेंसिटिव नहीं है हा? तो ये चार पांच पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी ये पांच के पांच पॉइंट सभी बच्चों को क्लैरिफाइड है या नहीं है बेटा चल में इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन और नॉट बेटा बोलू मी क्लियर है चलिए अब देखो ये टेबल यहां पे दी गई है बट टेबल में उतना कुछ ज्यादा मैं यहां पे डिस्कशन नहीं करने वाला हूं सिर्फ आपका ये है कि आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होनी चाहिए हुँ। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको जो है सारे याद करने हैं ठीक है तो जैसे डीएनए की अमाउंट है तो वो ज्यादा किस में चाहिए आपको आर में चाहिए हुँ? बाकी अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो चाहे आर है पी बेस्ड जो मार्कर्स हैं वहां पर आपको डी की अमाउंट बहुत कम हो गई है ठीक है तो अगर आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस पर्टिकुलर मॉलिकुलर मार्कर को यूज करने के लिए जो इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए है वो किसमें सबसे ज्यादा लगेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए आंसर मस्ट बी आर एफ एल पी दूसरी चीज डी एन ए की क्वालिटी आपको कहाँ पे किसी चाहिए तो सबसे ज्यादा आपको आर एफ एल पी और आर ए पी डी में हाई क्वालिटी का डी एन ए चाहिए मतलब उसके अंदर कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए कंटेमिनेशन जब हम लोग डी एन ए का आइसोलेशन करते हैं वेन वी आइसोलेट द डीएनए तो वहाँ पे जो कंटेमिनेशन आता है कंटेमिनेशन किस किस चीज का आता है बेटा कैन एनी वन टलमी एनी वन टेल मी जब हम लोग डीएनए का आइसोलेशन करते हैं पहले तो यही बताओ कि डीएनए का आइसोलेशन आप में से कितने बच्चों ने किया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स है आइसोलेशन ऑफ डीएनए इन दैब डी एन ए आर एन ए जो भी काफी बच्चों ने किया होगा आई होप सो so, जिन्होंने लैब में काम किया या एमएससी में प्रोजेक्ट भी किया उन लोगों ने डीएनए और आर एन ए का आइसोलेशन तो पक्का हंड्रेड परसेंट किया होगा कितने बच्चे हैं जस्ट बेटा यू कैन जस्ट हा रेज योर हैंड या फिर आप लोग यस करके बता सकते हो कितने बच्चे हैं यहाँ पे कितने बच्चों ने डीएनए हाँ? ओके चलो नहीं किया है तो मैं बता देता हूं कि आरएनए और डीएनए के मेथड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स हैं <coughs> बट जो फिनोल क्लोरोफोम वाला मेथड है वो सबसे पॉपुलर है या सबसे पुराना कह सकते हो उसको ठीक है तो जो आ, फिनोल क्लोरोफोम ट्वेंटी थ्री टू वन के रेशो में हम लोग ट्वेंटी फोर इंस टू वन के रेशो में ऐड करते हैं फिनोल और क्लोरोफोम को और डी एन ए आर एन ए के आइसोलेशन में जो है डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि जो फिनोल का सेचुरेशनोल का सेचुरेशन एसिडिक बफर में किया जाता है इसके अलावा पी सी आर बेस्ड नॉन पी सी आर बेस्ड है ये तो पता चल ही गया आप लोगों को कौन सा पी सी आर बेस्ड है कौन सा नॉन पी सी आर बेस्ड है इसके अलावा नंबर ऑफ पोलिमोरफिक न्यूक् तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज पता चलती है कि इनमें से कौन कौन से मल्टी एलिल हैं और कौन कौन से जो हैं आपके बाई एलिलिक है बाई एलिलिक को आप जो है मतलब एक सिंगल या डबल एलील के तरीके से मान सकते हो डबल एलील का मतलब ये होता है कि सपोज आपके दो होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं ठीक है तो दो सिमिलर टाइप की सिक्वेंसिस जो है दो होमोलोगस क्रोमोजोम पे सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होती हैं अब अगर यहाँ पे कोई वेरिएशन है सिंगल म्यूटेशन हुआ है जैसे हम लोग बात कर लेते हैं आ, बहुत सारी डिजीज जेनेटिकल डिजीज आप लोग पढ़ते हो सिकल सेल एनीमिया है या उसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज हैं तो जैसे हम लोग यहां पे मान लें ये आपका जो है वाइल्ड टाइप एच बी आता है यहां से और यहां से आता है आपका एच बी एस वाला सिकल सेल वाला जिसके अंदर म्यूटेशन हो गया है ठीक है अब देखो दोनों सिक्वेंसिस हैं सिमिलर लेकिन एक सिंगल म्यूटेशन हो चुका है वहां पे तो ये दो तो अलग अलग एलील हो गए ना हुँ? तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं कि जो डिटेक्शन होता है आर के थ्रू वो बाई एलिलिक नेचर का है अगर हम आर की बात करें तो ये आपका मल्टी एलिलिक नेचर का है अगर हम ए की बात करें तो वो भी आपका क्या है मल्टी नेचर का है लेकिन जब एस या माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट या वी या एस या आई जब इनकी बात होती है तो ये भी आपका बाई एलिलिक है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जहाँ पे वन टू थ्री लिखा हुआ है उसका मतलब है बाई एलिलिक मतलब दो एलिन होंगे हु? और ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं आपके आर ए पी डी और एफ एल पी इसको आप लोग क्या कह सकते हो यू कैन कॉल इट मल्टी इसके बाद जो ईज ऑफ यूज है मतलब हम लोग इज़ीली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो आर एफ एल पी ईजी नहीं है इसीलिए क्योंकि वहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज होता है ठीक है बाकी आपके जो है पीसीआर बेस्ड मेथड्स हमेशा ही इजी होते हैं पीसीआर कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है किसी दसवीं के बच्चे को भी अगर एक बार प्रोटोकॉल बता दिया जाएगा तो वो भी चार चीजें मिक्स करके थर्मोसाइकुलर में डाल के जो है एम्पलीफिकेशन करा देगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात आती है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी जो है आर की होती है ए की इससे भी ज्यादा होती है ठीक है एस की भी काफी हाई सेंसिटिविटी है रिप्रोड्यूसिबिलिटी है लेकिन जो आपका आर है वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ जैसे पॉलीमॉर्फिक वाला मैंने बताया तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान रखना रिप्रोड्यूसिबिलिटी वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना पी वाला भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है डी को याद रखोगे तो अच्छा रहेगा क्वालिटी वाला भी ठीक है ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर आपको स्पेसिफिक प्राइमर से डिज़ाइन करने होते हैं ठीक है सभी इंडिविजुअल्स के लिए एक प्रोटोकॉल बनाना होता है तो डेवलपमेंट कॉस्ट जो है एफ में मॉडरेट है बाकी में लो है चाहे आपका आरएपीडी है चाहे आपका चलिए ये हो गए कुछ चार पांच पॉइंट्स ये भी सभी बच्चों को क्लैरिफाइड हो गए या नहीं हुए बेटा कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी गाइस इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन हियर हिम्म चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग आर एफ एल पी पे ठीक है और आर एफ एल पी की मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमोरिफिज्मिज्म पॉलीमोरफिज्म का मतलब वही चेंजेस है तो देखो अगर यहाँ पे मुझे आप लोगों को इस बेसिक से मेथड को बताना हो तो आ, बहुत सिंपल है आप लोगों ने अगर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या सदर्न ब्लॉटिंग अगर पढ़ी है तो सदर्न ब्लॉटिंग का प्रोटोकॉल अगर आप लोगों को आता है तो आर एफ एल पी भी सेम है ज नो डिफरेंस बिटवीन द आर एफ एल पी एंड आर एफ एल पी एंड दिस सदन ब्लॉटिंग ठीक है तो ये कुछ प्रिंसिपल है इसका पहले डीएनए का आइसोलेशन करते हैं फिर उसको डाइजेशन करते हैं डाइजेशन के बाद जो है उसको, उसको क्या करते हैं हम लोग एगरो जेल पे जो है सेपरेट करते हैं सेपरेट करने के बाद हम लोग प्रोब्स का यूज करते हैं बट प्रोब्स का यूज करने के पहले हम लोग जेल के ऊपर ठीक है तो ये सिंपल सा मेथड है जो सदन ब्लॉटिंग का प्रिंसिपल है वही है और यहां पे जो है विजुलाइजेशन के लिए दो मेथड यूज होते हैं ये भी आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कहीं पे ऑटो रेडियोग्राफी हम लोग यूज करते हैं कहीं पे नहीं करते हैं। तो ऑटो रेडियोग्राफी वहां पे यूज की जाएगी जहां पे आप रेडियो एक्टिव प्रोब्स यूज करोगे ठीक है अगर कहीं पे लिखा गया है कि एनालिसिस इज कैरीड आउट बाय ओटो रेडियोग्राफी तो आपने कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट कराई है ठीक है रेडियो एक्टिविटी की प्रेजेंस अगर होगी रेडियो एक्टिव कंपाउंड अगर इनकॉर्पोरेटेड होगा किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर तो वहीं पे आप लोग ऑटो रेडियोग्राफी यूज कर सकते हो अदरवाइज नहीं हु? या इसके अलावा कैमीलिमिनेसेंस आप लोग यूज कर सकते हो ठीक है इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कोई एंजाइम को लिंक करा देते हैं फिर उसका सबस्टेट डालते हैं तो एंजाइम जहां पे प्रेजेंट होता है तो वो एंजाइम उस पर्टिकुलर सब्स्टेट को ल्यूमिनेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और केमीलिस में जो एग्जाम्पल है कोई बच्चा अगर मुझे बता सकता है तो प्लीज टेल मी आप लोग ऐसे तो नहीं हो कि आप लोगों को नहीं मालूम होगा बिल्कुल मालूम होगा कोई एक एग्जाम्पल एक मुझे बताओ लु, केमी ल्युमेसेंस का जीएफपी मत बताना वो फ्लोरोसेंस का एग्जाम्पल है बेटा वहां पे हम लोग कोई सब्स्टेट यूज़ नहीं करते हैं कोई बच्चा मुझे बताएगा अरे बेटा आप लोगों ने लूसी फरेज का नाम सुना होगा बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा प्रिंसि बिल्कुल सही लूसी फरेज का एग्जाम्पल है एच आरपी एच आर पी हॉर्श राइडिश पर ठीक है जिसके लिए सिंथेटिक सब्स्टेट हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यूज करते हैं या आप लोगों ने एलाइजा में जो है यूज किया होगा वहां पे सुना होगा बिल्कुल यही एग्जाम्पल्स है केमिल्यूमिसेंस के ठीक है तो विजुअलाइजेशन आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हो लेकिन एक जगह आपको एंजाइम और सब्स्टेट डालना पड़ेगा दूसरी जगह केवल इनकॉर्पोरेशन कराना है तो आसान ये है कि मेरे हिसाब से इफ यू आर अलाउड टू यूज द रेडियो एक्टिव मटीरियल इन योर लैब देन गो फॉर दिस रेडियो एक्टिविटी और ऑटो रेडियोग्राफी दैट इज गोइंग टू बी वेरी ईजी और बहुत सिंपल रहेगा सीधे सीधे आपको जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा तो अब प्रोसेस पे आ जाते हैं तो प्रोसेस बहुत सिंपल है पहला काम आपको क्या करना है जिनोमिक डी एन ए आइसोलेट करना है ठीक है जिनोमिक डी एन ए आइसोलेट कैसे करोगे वो मेथड मैं बता ही चुका हूँ ठीक है उसके बाद आपका आप पहला स्टेप क्या होगा कि आपको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना है आप एक एंजाइम भी यूज कर सकते हो आप मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी यूज कर सकते हो पहला स्टेप ये होगा आइसोलेट द डीएनए देन वॉट यू आर गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू डाइजेस्ट इट विद ए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एनजाइम्स इसके बाद जैसे यहाँ पे आ, हमने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया तो आपका पूरे का पूरा जीनोमिक डीएनए जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा हु? छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होने के बाद जो स्टेप उस कट किए हैं तो हमें जो है सिमिलर पैटर्न मिलना चाहिए ठीक है एज यू कैन सी यहाँ पे जो तीसरे वाला सैंपल है उसके अंदर पैटर्न कुछ अलग हो गया इसके अंदर ये बैंड जो है एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है ये वाला एक्स्ट्रा बैंड है ये दोनों एक्स्ट्रा बैंड हैं आई थिंक सो so. hmm? ठीक है तो कुछ बैंड्स आपको अलग दिखाई दे रहे हैं जबकि अगर आप लोग फर्स्ट और सेकेंड सैंपल को देखोगे तो वहां पर सिमिलर है ठीक है तो ये सीक्वेंस वेरिएशन को बताता है ठीक है ये आपको sequence variation को बता रहा है हु? इसके बाद तीसरा स्टेप जो होगा तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे एगरजेल से एगरोजेल से हम लोग इन बैंड्स को जो सेपरेट हुए हैं एगरजेल के अंदर किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे जो सबसे नीचे है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है उसके ऊपर हम लोगों ने स्पॉन्ज रखा हुआ है और स्पॉन्ज के ऊपर जेल रखा गया है ठीक है और जेल के ऊपर हम लोगों ने क्या रखी है नाइट्रोसेलुलस का पेपर या मेमब्रेन रखी है और सबसे ऊपर पेपर टावल्स डाल दिए ठीक है हु? पेपर टावल्स डालने के बाद उसके ऊपर आप कोई वजन भी रख सकते हो ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मतलब उसको ऐसे ही छोड़ोगे बट वज़न से रखने से क्या होता है कि उसकी वजह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स का ट्रांसफर है जेल टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन वो काफ़ी फास्ट हो जाता है इसके अलावा इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग भी एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग क्या करेंगे अगर मान लो कि आपका जेल नीचे है और आपकी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो है वो ऊपर है ठीक है तो आपको डीएनए की मूवमेंट कहां से कहां पे करानी है जेल टू मेम्ब्रेन अब आपका जो कैथोड होगा अगर आप लोगों को यहां पे लगाना पड़े नीचे की साइड और ऊपर की साइड दो इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे तो आप ऊपर की साइड कौन सा लगाओगे कोई बच्चा मुझे बताएगा हुँ? नीचे की साइड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा ये आपको बताइए कैथोड एनोड दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं तो जेल आपका नीचे है ऊपर क्या है नाइट्रोसेलुलोज की मेमब्रेन है और आपको डीएनए की मूवमेंट क्या है जेल टू नाइट्रोसेलुलज मेम्ब्रेन पे करानी है तो उसके लिए आप लोगों को इलेक्ट्रोब्लॉटिंग करनी है इलेक्ट्रोब्लॉटिंग का मतलब वही है सिंपल सा इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको करना है तो ये इस ये इस पर भी तक कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है काफी आ, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में बट आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे कैथोड होगा और कहाँ पे एनोड होगा एक चीज हमेशा ध्यान रखो चाहे वो आपका पेज है चाहे वो आपका एगरोज जेल है डीएनए की मूवमेंट प्रोटीन की मूवमेंट हमेशा कैथोड टू एनोड होती है ठीक है ठीक है तो जेल की साइड आपका कैथोड होना चाहिए कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है और यस बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा यशिका डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप दो इलेक्ट्रोड लगा दो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जो है पास ऑन करो तो उसकी वजह से जेल से आपके जो डीएनए के हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं, वो मूव करके किसके ऊपर जाके चिपक जाएंगे नाइट्रोसेलुलोज की मेम्रेन के ऊपर ठीक है अब उसके बाद हम इसको अलग करते हैं अलग करने के बाद जो आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो जेल से किस पे आ गए हैं वो आपकी नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे आ गए हैं ठीक है थीके? और ये जो ट्रांसफर वाला जो मेथड है द ट्रांसफर ऑफ द सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द जेल टू द नाइट्रोसेलुलज मेम्ब्रेन उस प्रोसेस को हम लोग ब्लॉटिंग बोलते हैं मैंने कहा था ना कि आर कुछ नहीं है आपका सिंपल सा सदन ब्लॉटिंग वाला ही प्रोसेस है हु? इसके बाद हम लोगों को क्या करना है इसके ऊपर जो आपकी नाइट्रोसेलोज की मेम्ब्रेन आई है इसके ऊपर आपको प्रोब्स डालने हैं ठीक है थीके? अब देखो ये प्रोब्स बने बनाए नहीं आते हैं मेरे मेरा कहने का मतलब आप लोग समझने की कोशिश करो ऐसे पढ़ाने को तो मतलब आप लोग पढ़ चुके होंगे कई बार लेकिन आप लोगों को आज तक समझ में नहीं आया होगा ऐसा क्यों करते हैं तो मान लो जैसे हम लोगों ने यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके पास तीन अलग अलग डीएनए के सैंपल है ठीक है तीन डीएनए के सैंपल हैं आपको यह पता करना है कि कोई स्पेसिफिक जीन इन तीनों सैंपल जो हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हम लोगों ने लिए हैं कोई स्पेसिफिक जीन कौन कौन से सैंपल के अंदर कौन कौन से सैंपल के डीएनए के अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं है चलो इसको मैं दोबारा से बताता हूं मान लो जैसे कि हम लोग ह्यूम्स हैं तो ह्यूमन्स का जो जीनोम है वो अलग है तो हमारे अंदर जो जीन्स एक्सप्रेस होती हैं या हमारे डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, वो बाकी के दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है हुँ? अब अगर हम कोई स्पेसिफिक जीन आइडेंटिफाई करें कि ये पर्टिकुलर जीन जो है केवल ह्यूमंस में ही मिलती है या प्लांट्स में भी मिलती है या बैक्टीरिया में भी मिलती है अगर हमें यह पता करना हो कोई XYZ, कोई भी जीन आप मान सकते हो ठीक है उसको उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे यह चेक करना है ये वाली जो X जीन है वो ह्यूमंस के अंदर तो होती है ये हमें पता है लेकिन वो प्लांट्स के अंदर होती है बैक्टीरिया के अंदर होती है कि नहीं होती है फंगस के अंदर होती है कि नहीं होती है एल्गी के अंदर होती है कि नहीं होती है हुँ? तो ये हमें चेक करना है तो चेक करने के लिए हमारे पास टारगेट क्या है वो स्पेसिफिक जीन का हमें पता करना है कि ये जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ह्यूमंस के अलावा बाकी के ऑर्गेनिजम्स में भी अवेलेबल है या नहीं है उनके जीनोमिक डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है या नहीं होती है? हुँ? काम हमारा ये हुँ? तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए उसके लिए आपको जीन की सीक्वेंस पता होनी चाहिए क्योंकि प्रोब तो आप तभी बनाओगे क्योंकि प्रोब आपको खुद से डिजाइन करने पड़ेंगे ठीक है वो कहीं से आएंगे नहीं कोई दूसरा नहीं मंगवा के देगा या आपको कहना पड़ेगा जिस भी कंपनी से आप ऑर्डर करोगे कि मुझे इस जीन के रेडियो एक्टिव प्रोब्स चाहिए है तो वो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं आपको प्रोब्स बना के दे रहे हैं तो वो चार्ज ज्यादा करेंगे ठीक है अगर उनके पास वो रेडीमेड बने हुए अवेलेबल नहीं है तो आपको उनको करके देना पड़ेगा कि भाई इस जीन का तो हमारे पास रेडियो एक्टिव प्रोब जो है रेडिली अवेलेबल है नहीं तो आप मुझे डिजाइन करके दीजिए हम लोग बनवा देंगे आपके लिए हुँ? तो ये काम आपका है ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो आप क्या रिसर्च कर रहे हो ठीक है इट डिपेंड्स अपॉन दैट जो आप चेक कर रहे हो वो एक्स जीन की प्रेजेंस चेक कर रहे हो किसके अंदर बाकी के ऑर्गेनिजम्स में आपको ये पता है पहले से कि ह्यूमंस के अंदर तो ये होती है तो आप क्या करोगे आपने सभी दो चार दस पांच ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर भी आपको उस पर्टिकुलर जीन की तो प्रोसेस आपने सेम रखा प्रोब्स आपने ऑर्डर कर दिए प्रोब्स आपके पास आ चुके हैं आप यह पूरे का पूरा प्रोसेस जो है इस स्टेप तक ब्लॉटिंग तक आप कर चुके हो उसके बाद आपका क्या काम होगा उसके बाद आपका काम यह होगा कि आपको जो आपने नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है हुँ? उसके ऊपर प्रोब्स डालने लेकिन यहां पे भी एक प्रॉब्लम है यहां पे प्रॉब्लम क्या है यहां पे प्रॉब्लम यह है जो हमने डीएनए लिया था वो तो डबल स्टैंडर्ड था और डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे तो प्रोब बाइंड नहीं करेगा ठीक है और जो आपके प्रोब्स होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो, जो आपके प्रोब्स होते हैं वो क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है वो आरएनए भी हो सकता है ठीक है इट डजेंट मैटर आरएनए इसलिए नहीं बनवाते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है इसलिए हम लोग ज्यादातर प्रोप्स में क्या यूज करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यूज करते हैं बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज वेरी मच हायर एज कंपेयर टू आर एन ए तो अभी जो नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन है जो हमारे फ्रेगमेंट्स इसके ऊपर आए हैं वो किस टाइप के हैं वो डबल स्टैंडर्ड वाले हैं ठीक है थीके? अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे तो हमारा प्रोब बाइंड करेगा नहीं तो डालने का कोई मतलब नहीं है उसके पहले हमें क्या करना चाहिए बताइए बच्चों बताओ सभी बच्चे प्लीज आंसर किया करें दैट बेटर फॉर यू एज वेल एज मी मुझे भी पता चलेगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा डीनेचुरेशन कराएंगे पीसीआर नहीं करेंगे बेटा पीसीआर क्यों करेंगे वी आर अगर पी ही हमें करना होता तो फिर आर क्यों कर रहे होते हम लोग है क्या नहीं हम्म हाँ।, हाँ फिर तो हम आर नहीं कर रहे होते कोई दूसरा मेथड यूज़ कर रहे होते सो वी आर नॉट गोइंग टू कैरी आउट द पी सी आर वी आर गोइंग टू डी नेचर द डीएनए विच इज अटैच ऑन टू द नाइट्रोसेलुलज मेम्ब्रेन और डीनेचुरेशन आपको पता है हीटिंग से भी कर सकते आप सॉल्ट डाल के भी कर सकते हो तो दो मेथड है वहाँ पे हाँ? या तो आप सॉल्ट डाल दो या फिर आपको स्किप कर दिया गया है ठीक है सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बस इतना बात ध्यान रखना कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में हमारा जो प्रोब है वो जाके बाइंड नहीं करेगा उसके लिए हमें डीनेचुरेशन कराना पड़ेगा डीनेचुरेशन के दो मैथड है हीटिंग करा सकते हो या फिर आप सॉल्ट एड कर सकते हो ठीक है उनको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर लिया उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर क्या डाला

है कि नहीं तो जो अनबाउंड प्रोब्स हैं उनको रिमूव कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे वॉशिंग करेंगे ठीक है वो वॉश आउट, हो आउट होने के बाद क्या होगा उसके बाद सीधे सीधे डिटेक्शन कराएंगे हम लोग डिटेक्शन किसकी हेल्प से कराया जाएगा ऑटो रेडियोग्राफ मतलब जो आपकी नाइट्रोसेलोज की जो मेम्ब्रेन है उसको हम एक्सरेज के साथ में एक्सपोज करेंगे तो जहां जहां पे भी रेडियो एक्टिव प्रोब जो है बाउंड कर जाएगा बाइंड कर जाएगा वहां वहां पे आपको जो है ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक कलर के बैंड्स आपको दिखाई देंगे या नहीं हुए <coughs> प्रोसेस समझ में आया शुड आई इट अगेन और नॉट बहुत सिंपल है ठीक है बस यहां पे दो स्टेप्स मैंने यहां पे स्किप किए हुए हैं डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ठीक है <coughs> उसके बाद फाइनल स्टेप इसके आगे जो आपका फाइनल स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा बेटा दैट इज गोइंग टू बी ओटो रेडियोग्राफी क्या हो जाएगा ओटो रेडियोग्राफी सो इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन बिल्कुल 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 बेटा मैं बता देता हूं जस्ट अ मिनट जस्ट वेट अ मिनट लेट मी टेक अ स्लाइड अ डिफरेंट स्लाइड यहाँ पे आप लोगों को मैं अलग तरीके से बता देता हूँ स्टेप्स बता देता हूँ क्या क्या हम लोग करते हैं ठीक है उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा चलिए वैसे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया इसके ऊपर पहला स्टेप आइसोलेट द जिनोमिक डी ठीक है पहला स्टेप क्या है आइसोलेट जीनोमिक डीएनए ठीक है जी डीएनए में लिख देता हूं जी डीएनए का मतलब भी जीनोमिक डीएनए ही होता है ठीक है जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करने के बाद आपको डाइजेशन डाइजेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ़ जीनोमिक डीएनए ठीक है उसमें आप एक भी जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर सकते हो <coughs> और यू कैन ऑल्सो यूज द मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन ए कॉम्बिनेशन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड करता है सेपरेशन ऑफ जो आपने फ्रेगमेंट डाइजेस्ट किए हैं सेपरेशन ऑफ डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड जीनोमिक डीएनए जीडीएनए ऑन एगर जेल ए जी ई शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं gel है? Gel पे जो आपके जो सेगमेंट्स हैं जो डाइजेस्टेड हैं वो किसके बेसिस पे अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो आपके क्या हो जाएंगे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे चौथे पॉइंट पे आते हैं चौथा पॉइंट जो आपका होगा इंपॉर्टेंट वो क्या होगा अब आपको ब्लॉटिंग करनी है ठीक है ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग का मतलब ये होता है ट्रांसफर द सेपरेटेड फ्रेगमेंट ऑन टू द नाइट्रोसेलोज मेम्ब्रेन ठीक है ब्लॉटिंग का मतलब क्या है ब्लॉटिंग का मतलब यह है ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स जो भी आपने अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो सेपरेटेड किए हैं ठीक है, है? फ्रॉम जेल फ्रॉम जेल टू मेमब्रेन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ठीक है जेल टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ठीक है इसके अलावा कोई दूसरी मेम्ब्रेन भी यूज करते हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा चुका है कोई बच्चा मुझे बताएगा नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के अलावा भी कोई दूसरी मेम्ब्रेन यूज होती है पीवीडीएफ पॉलीविनाइल वाली ठीक है पीवीडीएफ मेम्ब्रेन ठीक है दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ और ये मेम्ब्रेन आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग सदर्न ब्लॉटिंग आर एफ एल पी ठीक है इसके अलावा आप जो सेटेलाइट मार्कर्स मिनी माइक्रो सैटेलाइट पढ़ते हो सभी जगह यूज होती है ठीक है दोनों ही टाइप की हुँ? अगर आपको सिंगल टाइम यूज करना है एक ही टाइम यूज करके फेंक देनी है मेम्ब्रेन तब आप नेट्रोसेलुलस वाली यूज करो अगर आपको मल्टीपल टाइम सेम मेम्ब्रेन यूज करनी है देन गो फॉर द पी वी डी एफ मेब्रेन समझ में आई बात मल्टीपल टाइम्स यूज के लिए है मल्टीपल टाइम्स यूज मल्टीपल टाइम्स यूज ठीक है हाँ ये इस तरीके से यूज एंड थ्रो वाला है सिंगल यूज ठीक है सिंगल टाइम यूज़ के लिए हम लोग नाइट्रोसेज की मेम्ब्रेन यूज करते हैं ठीक है ये दोनों के बीच में डिफरेंस है ब्लॉटिंग हो गई ब्लॉटिंग में मैंने आपको साथ साथ में ये भी बताया था कि इलेक्ट्रो वो काफ़ी स्लो होती है मतलब आप जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको कहाँ से कहाँ पे पहुँचा रहे हो जेल के अंदर से कहाँ पे पहुँचा रहे हो नाइट्रोसेलोज पेपर के ऊपर या नाइट्रोसेलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर पहुँचा रहे हो तो जहां पे आप इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग यूज नहीं कर रहे हो पे ये का, ये प्रोसेस काफी स्लो होगा इसलिए हम लोग इसके इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए कैपिलरी कहा था <coughs> थीके? थीके अगर इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग यूज करते हो तो आपको एक दो घंटे में आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो जेल से जो है मूव करके कहां पे पहुंच जाएंगे दे आर गोइंग टू गेट टू मूव टू द नाइट्रोसेलोज मेम्रेन तो ये हो गया इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग वाला ब्लॉटिंग हो गई के बाद जो है अब क्या करना हम लोगों को स्टेप अब जो आपकी नाइट्रोसेल्यूलोज की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो फ्रेगमेंट्स आए हैं वो कौन सी स्टेट में वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए एन वाली स्टेट में ठीक है अब अब डायरेक्टली एड कर सकते हो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा नाउ एड एड रेडियो एक्टिव प्रोब्स रेडियो एक्टिव प्रोब्स मैंने आप लोगों को बताया मैं दोबारा से भी बताऊंगा ठीक है एक एग्जाम्पल मैं लेके बताऊंगा आप लोगों को तभी समझ में आएगा ठीक है रेडियो एक्टिव प्रोब्स टू मेम्ब्रेन ठीक है मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या डालने हैं रेडियो एक्टिव प्रोब्स डालने ठीक है अब होगा क्या आपका जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ठीक है थीके? और जो आपके फ्रेगमेंट्स हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में है तो आपको पता है कि ट्रिपल हेलिक्स या ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए तो कुछ होता नहीं है डबल स्टैंडर्ड ही होता है तो यहाँ पे बीच में आपको जो है दो सब स्टेप करने पड़ेंगे आपको डीनेचुरेशन करना पड़ेगा ठीक है यू हैव टू कैरी आउट द डीनेचुरेशन अब सिंगल स्टैंडर्ड तो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा ठीक है और दूसरा स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा रीनेचुरेशन ठीक है रीनेचुरेशन और मैंने आपको बताया है कि डीनेचुरेशन कैसे कराते हैं हम लोग या तो आप हीट कर सकते हो हीटिंग यूज कर सकते हो हीट कर दो सैंपल को नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को या इसके अलावा एडिशन ऑफ सॉल्ट ठीक है एडिशन ऑफ सॉल्ट हीट और सॉल्ट के थ्रू करते हैं ठीक है इसके बाद रीनेचुरेशन कैसे कराओगे कूलिंग करा दो ठीक है कूलिंग हो जाएगा और रिमूवल ऑफ सॉल्ट ठीक है कूलिंग और रिमूवल ऑफ सॉल्ट ठीक है रिमूवल ऑफ ठीक है ये चीज समझ में आई बेटा डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन हो गया अब होगा क्या जो भी मैमब्रेन के ऊपर पहले डीनेचुरेशन होगा तो जो आपने प्रोब्स डाले हुए हैं जहां पे भी जहां पे भी मेम्ब्रेन के ऊपर वो वो सीक्वेंस प्रेजेंट होगी विच इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द रेडियोटिव प्रोब्स वो आपस में बाइंड कर जाएंगे और जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे रेडियो एक्टिव प्रोब्स के साथ में वहां पे बाइंडिंग नहीं होगी तो जो सिक्स वाला स्टेप होगा सिक्स वाला जो स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा आपका दैट इज गोइंग टू बी वॉशिंग ठीक है वॉशिंग वॉशिंग या रिंस आप कर सकते हो वॉशिंग या रिंसिंग ठीक है रिंस कर सकते हो ठीक है टू रिमूव टू रिमूव अनबाउंड टू रिमूव अनबाउंड प्रोब्स अनबाउंड प्रोब्स ठीक है तो जो आपके अनबाउंड प्रोब्स हैं उनको आप लोगों को रिमूव कराना पड़ेगा ठीक है वॉशिंग का स्टेप इसलिए जरूरी है अदरवाइज क्या होगा भाई आपने वॉशिंग नहीं की ये आपकी नाइट्रोसेलुलस की मेम्ब्रेन थी यहां पे आपके कहीं कहीं पे जो है जो आपने बैंड्स सेपरेट किए थे वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर वो आपकी नाइट्रोसेलोज की मैम्रेन के ऊपर आ गए थे ठीक है अब आपने उसके ऊपर जो है हर जगह क्या डाल दिए हैं पूरे के पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर रेडियो एक्टिव प्रोप डाल दिए आपने वॉशिंग का स्टेप किया नहीं तो रेडियो एक्टिव प्रोब्स आपके हर जगह प्रेजेंट होंगे ना तो आपको हर जगह बैंड दिखाई देगा ठीक है इसलिए अनबाउंड प्रोब्स को रिमूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है हम लोगों को वॉशिंग का स्टेप करना जरूरी है ताकि जहां पे बाइंडिंग हुई है केवल वहीं पे जो है हमें डिटेक्शन हो ठीक है तो लास्ट स्टेप जो हमारा हो जाएगा लास्ट स्टेप सातवां स्टेप जो हो जाएगा वो होगा डिटेक्शन बाय डिटेक्शन या फिर विजुअलाइजेशन भी आप कह सकते हो डिटेक्शन या विजुअलाइजेशन बाय बाय वही दोनों मेथड यूज कर सकते हो जो पहले बताएं ऑटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी यूज कर सकते हो या इसके अलावा और कौन सा यूज कर सकते हो बेटा हा केमीलिमिनेसेंस ना ऑटो रेडियोग्राफी ठीक है हा वही एंजाइम लिंक्ड वाला मेथड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो ठीक है तो ऑटो रेडियोग्राफी में बता ही चुका हूं कि आपकी जो की जो है उसको एक्सपोज कर देते हैं केमिकल <coughs> केमिकल का मतलब कोई केमिकल डाला हमने वो एंजाइम एंजाइम के साथ में वो रिएक्ट करेगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ल्यूमिनेसेंस देगा ठीक है हाँ जैसे कि लूसीफरेज एंजाइम है उसके अलावा मैंने एच आर होर्स रेडिश का एग्जांपल दिया तो वहां पे हम सिंथेटिक सबस्टेट डालते हैं एच क्या करता है उनको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर आ, येलो प्रोडक्ट के अंदर तो येलो प्रोडक्ट हमें दिखाई देगा ना ऐसे ही जब हम ल्यूसीफरेज यूज करते हैं तो उसका सबस्टेट जब डालेंगे ठीक है ओके बेटा चलिए अब देखो आर एफ एल पी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देख लेते हैं अब तो क्लियर है ना बेटा सभी बच्चों को कोई भी स्टेप इसमें से क्लियर ना हो और देखो सेम चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है किस केस में जो सदन ब्लॉटिंग का भी प्रोसेस आप लोग पढ़ते हो वहां पे भी सेम प्रोसेस है कोई डिफ कोई डिफरेंस नहीं है आर एफ एल पी आर एफ एल पी सदन ब्लॉटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है बोथ आर सेम दोनों जगह डीएनए का यूज करते हैं हम लोग इनिशियल जीनोमिक डीएनए किसी भी टाइप का डीएनए हो ठीक है और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज ऐसी होती है ठीक है चलिए लेकिन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के पहले एक एग्जाम्पल देना जरूरी है ना आप लोगों को और और अच्छे से क्लियर हो ठीक है क्योंकि एक आधा क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि आ, हम लोगों ने पढ़ा हुआ तो होता है लेकिन क्वेश्चन हमको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ठीक है तो उसी का एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं हूँ सबसे पहले तो पहले ही बताया था मैंने कि आर जो है नहीं बताया तो को डोमिनेंट मार्कर है तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं सबसे पहले हम दो सैंपल्स को कंपेयर करेंगे ठीक है पहले मैं ये आपका बेंडिंग पैटर्न यहाँ पे आर का बना रहा हूं ठीक है यहां पे आपको हो सकता है यहां पे लेडर वाली सीक्वेंस हो या मार्कर सीक्वेंस हो मार्कर सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपने नॉन मोलिकुलर वेट के फ्रेगमेंट्स डाले हुए हैं ठीक है नॉन मोलिकुलर वेट के यहाँ पे लिखा जाएगा वन के बी का है ठीक है ये जो है आपका 800 बेस पेयर का है ठीक है इस तरीके से इसके अलावा दूसरा जो है 500 बेस पेयर का है ठीक है इसके अलावा एक 400 बेस पेयर का है ठीक है एक आपका 200 बेस पेयर का है तो ये मार्कर वाली सीक्वेंस हो गई ठीक है ठीक है बेस पेयर यहाँ पे लिखना ज़रूरी लिख देते हैं ठीक है फाइन ठीक है चलिए अब हमारे पास दो सैंपल हैं सैंपल वन है सैंपल टू है अब देखो ये फाइनल रिजल्ट की बात कर रहे हैं ठीक है बैंड्स तो आपके बहुत सारे दिख रहे होंगे जेल के अंदर भी जेल के बाद जब आप ट्रांसफर करोगे किसके ऊपर नाइट्रोसेलुलस मैम के ऊपर तो वहां पे भी वही बैंड्स होंगे बैंडिंग पैटर्न वहां पे वही होगा लेकिन जब हम प्रोब डालेंगे प्रोब डालने के बाद केवल उसी लोकेशन पे आपको बैंड दिखाई देगा जहां पे आपका प्रोब बाइंड करेगा मान लो कि आपको यहां पे एक बैंड यहां पे दिखाई दिया सिंगल बैंड दिखाई दिया आपको फर्स्ट वाले सैंपल के अंदर लेकिन लेकिन जो सेकंड सैंपल था उसके अंदर आपको एक बैंड यहां पे दिखाई दिया एक बैंड यहां पे दिखाई दिया और एक बैंड आपको जो है यहां पे दिखाई दिया अब देखो इसका मतलब क्या निकाल सकते आप लोग फर्स्ट <coughs> सैंपल के सेम सेम आपने एक ही प्रोब यूज किया है फर्स्ट सैंपल के अंदर आपको एक सिंगल बैंड दिखाई दे रहा है एट हंड्रेड बेस पेयर के अराउंड का ठीक है वही सेकंड में वो भी दिखाई दे रहा है उसके अलावा दो एक्स्ट्रा बैंड्स भी हैं. इसका मतलब क्या है कैन एनी वन मी आप लोगों को ये रिजल्ट एनालाइज करना है क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रिजल्ट को एनालाइज करके आपको आंसर करना होगा ठीक है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपके सीधे सीधे प्रोटोकॉल के होते हैं तो वो तो आसान है हुँ? उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको प्रोसेस पता चल गया तो आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हो लेकिन ये जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार नंबर वाले यही आते हैं दो नंबर वाले सीधे सीधे होते हैं आप पढ़ लो बस ओके okay, हो जाएगा सीधा सीधा <coughs> बताइए कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा नहीं यहाँ पे यहाँ पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की बात नहीं कर रहे हम लोग ये अलग अलग डीएनए दिन, के सैंपल हैं बहुत डिफरेंट फ्रॉम बीच अदर मैंने कोई होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की बात नहीं की है अब जरा सोचो ये जीनोमिक डीएनए है ठीक है अब मैं यहाँ पे क्रोमोजोम नहीं बना रहा हूं क्रोमोजोम बनाने जाऊंगा तो बहुत अलग लगेगा ठीक है या क्रोमोजोम भी बना सकते हैं आई कैन ऑल्सो मेक द क्रोमोजोम्स ठीक है क्रोमोजोम ले लेते हैं चलो क्रोमोजोम ले, ले लेते हैं उससे आप लोगों को समझने में शायद आसानी होगी ठीक है दैट विल बी गुड ठीक है अब मान लो कि जो फर्स्ट सैंपल है ठीक है फर्स्ट सैंपल के अंदर ये जो जीन है इट इज प्रेजेंट ऑन द द्रोमोजोम नंबर ठीक है जिस जीन का जिस डीएनए का जिस जीन का जिस डीएनए का हम डिटेक्शन करना चाह रहे थे वो प्रेजेंट था कहां पे नंबर ऑफ की इस लोकेशन पे प्रेजेंट था हुँ? अब यहां से जो बनने वाला निकलने वाला फ्रेगमेंट था वो कितने बेस बेसपेयर का था एट हंड्रेड बेसपेयर का था ठीक है <coughs> तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो कॉपी नंबर है वो एक सिंगल है अब अगर हम लोग जो है सेकंड वाले पे जाएं अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि ये जो जीन है वो यहां पे तो प्रेजेंट है ही है फोर्टींथ क्रोमोजोम पे ठीक है यहां पे तो ये है ही है जहां से आपको कितने बेस्पेयर का फ्रेगमेंट मिल रहा है एट हंड्रेड बेस्पेयर का हुँ? लेकिन इसके अलावा ये सेम जीन यहां पे भी प्रेजेंट है जहां से आपको कितने का मिल रहा है सिक्स हंड्रेड बेस्पेयर का ठीक है इसके अलावा ये जीन एक और दूसरे क्रोमोजोम पे भी प्रेजेंट है ठीक है हाँ दिस इज द क्रोमोजोम नंबर सपोज टू ठीक है टू पे भी प्रेजेंट है। जहां से आपको कितने साइज का बैंड मिल रहा है यू आर गेटिंग द फाइव हंड्रेड बेस पेयर इसका मतलब क्या है आपकी जो जीन का जो कॉपी नंबर है सेकंड वाले सैंपल में वो कितना है वो थ्री है है कि नहीं है यस और नो बताओ तो सदन प्लॉटिंग या आर एफ एल पी ठीक है एक ही टेक्निक है नाम कहीं पे अलग यूज किया जा सकता है ठीक है जहां पे जेनेटिक्स का जेनेटिकल का जेनेटिक्स का एनालिसिस होगा वहां पे इसको बोल देंगे आर एफ एल पी ठीक है जहां पे हम लोगों को आ, किसी डीएनए की सीक्वेंस का अनालिसिस करना होगा वहां पे क्या बोल देंगे इसको सदन प्लॉटिंग ठीक है सिर्फ डिफरेंस इतना ही है तो इसका मतलब क्या है आर एफ एल पी या जो सदन ब्लॉटिंग हम लोग यूज करते हैं उससे किसी पर्टिकुलर जीन का उससे किसी पर्टिकुलर जीन का कॉपी नंबर किसी पर्टिकुलर जीनोम के अंदर पता किया जा सकता है कि उसका कॉपी नंबर एक है या दो है या तीन है या चार है या दस है या बीस है जो भी है समझ में आ गई बात और बेटा जो भी बच्चे जो आंसर कर रहे हैं मैं आपके पढ़ रहा हूं सारे के सारे सबसे पहली चीज तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रोब के अंदर म्यूटेशन नहीं होगा प्रोब हम लोग कंपनी से मंगा रहे हैं और कंपनी जो है उसको केमिकली सिंथेसाइज करके देती है तो उसके अंदर म्यूटेशन का कोई मतलब नहीं है वो लोग जब प्रोब बनाते हैं तो प्रोब बनाने के बाद उसको मल्टीपल टाइम सीक्वेंस करते हैं तब जाके आपको वो भेजा जाता है ठीक है कोई भी कंपनी ऐसी गलती नहीं करेगी ठीक है तो म्यूटेशन आपका किसके अंदर नहीं है प्रोब के अंदर नहीं हो सकता है ठीक है और हा ये बात सही है जो आपके आपस में जो 500, 800 और आपका 600 वाले जो बेस पेयर के जो फ्रेगमेंट हमें मिले हैं जो बैंड्स यहां पे मिले हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे बिल्कुल सिमिलर सीक्वेंसेज होंगी आई वुड से ठीक है ये जो है इन तीनों की सीक्वेंसेज आपस में कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा पार्ट होगा इनके बीच में जो सेम होगा ठीक है इट इ गट मो पॉइंट ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई <coughs> चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा कैन यू टेल मी चलिए ठीक है फाइन आगे बढ़ते हैं अभी देखो आर में हम लोग जो जेनेटिकल एनालिसिस करते हैं उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा अलग बन गया है सो लेट मी मेक इट अगेन ठीक है हाँ तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल हियर और इसमें हम लोग क्या देखेंगे वही मार्कर मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं है मार्कर uh, यहाँ पे आपका होगा ही उससे आपको केवल साइज का पता चलता है उसके अलावा कुछ नहीं है ठीक है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सपोज फर्स्ट वन टू ठीक है ये आपके क्या है पेरेंट्स हो गए या पेरेंटल लाइंस आप इनको कह सकते हो तो अलग अलग जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की जा सकती है तो वो आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ चुके होंगे ठीक है पेरेंटल लाइंस या पेरेंट्स लिख दिया जाएगा या फिर मदर फादर लिख दिया जाएगा ठीक है आ, इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको दे दिया गया है ए एंड बी ठीक है अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट वाले में जो है इस तरीके से चार फ्रेगमेंट्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ ठीक है लेट मी मेक फोर फ्रेगमेंट्स य तो मैंने चार नहीं पांच बन गए हैं ठीक है चार ही बनाते हैं ठीक है चार से थोड़ी आसानी होगी ठीक है और मदर में भी हम लोग इसी तरीके से कुछ फ्रेगमेंट्स बना देते हैं दो बना देते हैं सपोज करो मैं यहाँ पे दो फ्रेगमेंट्स बना देता हूँ ठीक है ठीक है तो पेरेंटल में एक पेरेंट के अंदर आपको चार बैंड दिखाई दे रहे हैं ठीक है एक सेकंड पेरेंट के अंदर आपको केवल दो फ्रेगमेंट दिखाई दे रहे हैं और ये आपका वही है आर एफ एल पी वाला सदन ब्लॉट ही है ठीक है उसका ही डेटा ये है हुँ? यहाँ पे ए और बी ये मान लो क्रिमिनल भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं ठीक है दे कैन ऑल्सो दिस चाइल्ड भी हो सकते हैं ठीक है तो वो डिपेंड करेगा कि हम अनालिसिस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कर रहे हैं या फिर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं वी आर एनालाइजिंग द हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन और होमोजाइगोटिक कंडीशन ठीक है सपोज करो कि यहाँ पे आपको दे दिया जाता है uh, सबसे पहले होमोजाइगोटिक हेट्रोजाइगोटिक लाइन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे आप, आपको दिया गया है कि ये जो है ये आपका कैपिटल ए कैपिटल ए है ये जो है आपका स्मॉल ए स्मॉल ए है ठीक है अब आपको कहा गया है यहाँ पे आपको केवल दो बैंड दिखाई दिए ठीक है और यहां पे आपको जो है कितने बैंड दिखाई दिए यहां पे आपको केवल चार बैंड दिखाई दिए चार बैंड कैसे दिखाई दिए इस तरीके से दिखाई दिए ठीक है तो एग्जैक्ट भी नहीं आपको दिख रहा है तो मान लीजिएगा तो आपको यह बताना है वट इज द जीनो ऑफ ए एंड बी वट इज द जीनो टाइप ऑफ ए एंड बी ए एंड बी का जीनो क्या होगा देखो यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है आई कैन मेक राइट फ्रंट इन इन फ्रंट ऑफ यू अभी जब हम क्लास पढ़ रहे हैं क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहीं पे मैं मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोगों के सामने अराइज कर सकता हूँ सेम 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 ग्राफ पे जो आपका आपके सामने जो ऑटो रेडियोग्राफ का जो डायग्राम है उसके बेसिस पे ठीक है अभी आपको पता चलेगा So, बताओ ए का क्या होगा ए का आपका क्या होगा सिंपली जो है होमोजाइगस जो बी का है वो क्या है बेटा वो कैपिटल ए कैपिटल ए है कि नहीं है अब अगर मैं यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ ले पूछ लेता हूं कि जो फर्स्ट और सेकंड है इन इनमें से ये क्या इनके पेरेंट्स हैं या नहीं है अगर मैंने यहां पे क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट और सेकंड अगर मैंने कहा आर दे पेरेंट्स दे कैन दे बी द पेरेंट्स ऑफ ए एंड बी क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं अरे यस और नो यस और नो हो सकते हैं ठीक है बट ह्यूमन बींग्स के केस में ये पॉसिबल नहीं है आर आर गेटिंग गेटिंग पॉइंट हां हाँ ह्यूमन बींग्स के केस में ये पॉसिबल नहीं है पॉसिबल है बट uh, उसको दूसरे तरीके से फिर आपको एक और चीज दिखानी पड़ेगी ठीक है मुझे ये हटाना पड़ेगा यहाँ से हटा के मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा एक्सटेंड करके एक और यहाँ पे एडिशन करूंगा ठीक है एडिशन करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक सी और बना देता हूँ ठीक है सी को मैंने कैसे बनाया है सी को मैंने बनाया है इस तरीके से ठीक है ठीक है सी को मैं इस तरीके से बना देता हूं इसके बाद आपको जो यहां पे बैंड दिख रहे हैं ठीक है वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ठीक है अब अब आपको पूछा गया है ए बी सी का रेशो क्या होगा देखो क्वेश्चन कैसे बदलता है आपको अब ये पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सी का जीनोटाइप क्या होगा वट विल बी द जीनोटाइप ऑफ सी वॉट विल बी दीनो टाइप ऑफ सी हेट्रोजाइगस होगा कि नहीं होगा बेटा बताइए अब आपको यह पूछा गया है कि इनका आपस में रेशो क्या होगा जो ए बी और सी सपोज दे आर दे आर द नेक्स्ट प्रोजेनि ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है ऐसे आपको कहा गया है तो इनका रेशो क्या होगा कैन यू टेल मी वन इज टू वन इज टू मैंने कहा था ना मैंने कहा था ना कि देखो सेम चीज पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वाइल यू आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा ऑफ मॉलिकुलर मार्कर्स भाई यहां पे मैंने जो को उसको बीच में नहीं लिखा है ना आप लोगों को तो ये तो पता ही है ना कि वन का रेशो होता है कि नहीं तो जो होगा वो टू के रेशो में होगा और जो आपका जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो वन के रेशो में होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो भी वन के रेशो में तो वन इज टू वन इज टू टू ठीक है भाई ये ऐसे होगा आपको पता है पेरेंट्स का क्या है पेरेंट सॉरी सॉरी रेशो नहीं होगा इसमें तो केवल हेट्रोजाइगस ही मिलेगा ना हम लोगों को फर्स्ट जनरेशन में ठीक है सपोज करो आ, कि इनसे जो बनने वाला जो हेट्रोजाइगस है वो आपका

कैपिटल ए स्मॉल ए होगा और वन में क्या होगा आपका स्मॉल ए स्मॉल ए होगा ठीक है तो ये सेकंड जनरेशन की कहानी है ठीक है क्वेश्चन को उसी तरीके से वो जो है मॉडिफाई कर देते हैं ठीक है तो ये क्या है दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड जनरेशन ठीक है सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में तो आपका एक ही रिजल्ट आएगा ठीक है हाँ क्या रिजल्ट आएगा यही कि आपको हेट्रोजाइगस मिलेंगे ठीक है केवल हेट्रोजाइगस मिलेंगे यस आफ्टर सेल्फिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स या जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी आपको कहा जाए इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मतलब कहने का मीनिंग ये है 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 तो यहां से आप लोगों को ये पता चल रहा है कि कौन सा है, कौन सा सा होमोजाइगस होमोजाइगसोजाइगस और कौन सा आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है रिसेसिव है ये सब आप कहा से पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर एफ एल पी क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई सभी बच्चों को ये चीज दोनों चीजें समझ में आ गई मल्टीपल कॉपी नंबर can also be identified with the help of Southern blotting or RFLP, and we can also detect the uh, differentiate between the homozygotes from the heterozygotes with the help of RFLP. ठीक hmm? है? <coughs> अगर मान लो इसी इसी डेटा को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, hmm? इसी डेटा को अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करें मतलब जहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात आने लगती है ठीक है इस इसी सिमिलर चीज़ को डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है ठीक है हाँ तो उस केस में भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको नंबर दिया जाएगा यहाँ पे, तो बस वही देखना है कि आप लोगों का जो रेशो है वो आ, आ, जो आपके पेरेंटल टाइप होंगे ठीक है पेरेंटल टाइप का नंबर सबसे ज़्यादा होगा ठीक है पेरेंटल टाइप का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा होगा जो नॉन पेरेंटल टाइप होंगे जहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा उनका नंबर कम हो जाएगा ठीक है तो इस चीज को जेनेटिक्स के साथ में भी हम लोगों को देखना पड़ेगा तो जब ये टॉपिक खत्म होगा तब हम लोग क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करेंगे तो अभी आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं जो दो दो नंबर के हैं तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं आर के उन पे आ जाते हैं तो एडवांटेजेस की बात की जाए तो सिंपल मेथड एज नो सीक्वेंस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड यहाँ पे आपको जीनोमिक डीएनए निकालना होता है सीधे सीधे डाइजेशन करना होता है सेपरेशन करके आपको जो है क्या करना होता है प्रोब यूज करके जो है डिटेक्शन करना होता है ब्लॉटिंग करने के बाद तो आपको लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस की कुछ कुछ तो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है ठीक है हाँ अगर नहीं भी है तो आप लोग जो प्रोब्स यूज करोगे तो वो स्पेसिफिक प्रोब्स यूज करोगे या यूनिवर्सल प्रोब्स यूज करोगे ठीक है यहां पे आर के अंदर यूनिवर्सल प्रोब्स भी आप लोग यूज कर सकते हो ठीक है कौन से प्रोब्स यूनिवर्सल प्रोब्स ठीक है यूनिवर्सल प्रोब्स भी आते हैं जो सिक्वेंसिस हर एक ऑर्गेनिज्म में जो है सेम होती हैं तो उनको एनालिसिस करने के लिए यूनिवर्सल प्रोब्स भी यूज किए जाते हैं तो उनको भी आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप किसी स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस को चेक करना चाह रहे हो तो वहां पे स्पेसिफिक प्रोब्स आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे <coughs> दूसरा एडवांटेज क्या है कोडोमिनेंट है इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेमोजाइगोड्स एंड हैट्रोजाइगोट्स इसके अलावा तीसरी चीज क्या है कि ये पीसीआर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इसको रहना नहीं पड़ता है पीसीआर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ठीक है यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये जो नीचे लिखे गए हैं डिसडवांटेजेस ठीक है डिस एडवांटेजेस ठीक है तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि डी एन ए का अमाउंट ज्यादा चाहिए इसके अलावा प्रूब्स की जो है सप्लाई चाहिए इसके अलावा इट इज़ लेबोरियस टू आइडेंटिफाई द सुटेबल मार्कर्स जो मतलब प्रोब्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं टाइम कंज्यूमिंग है और इसके अलावा रेडियो एक्टिव प्रोब्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं उसके बाद आपको ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ करनी पड़ती है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्सरेज के साथ में काम करना इतना आसान नहीं है ये इसका डिसएडवांटेज है ठीक है तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा और अगर आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है जो कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि जो आपका आर है क्या उसको ऑटोमेट किया जा सकता है ऑटोमेट का मतलब यह है कि वो ऑटोमेटिकली काम करता रहे जैसे हम डीएनए सीक्वेंसर की बात करते हैं तो डीएनए सीक्वेंसर सीक्वेंसर के अंदर हम डीएनए डाल दिए या पीसीआर प्रोडक्ट अगर हमने डाल दिए हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है उनकी सीक्वेंस हमें बता के दे देता है हमें फालतू कुछ नहीं करना होता है तो अगर हम यहां पे इस मेथड को ऑटोमेट करना चाहें तो क्या इसको ऑटोमेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते है? आप लोग मुझे बताइए कैन वी ऑटोमेट द आर एफ एल पी मैथड और नॉट कैन वी और कैन वी नॉट बेटा सभी बच्चे प्लीज आंसर करें कैन नॉट बी ऑटोमेटाइज ठीक है हाँ ये भी पॉइंट आप लोग यहां पे ऐड कर लो कैन नॉट बी ऑटोमेटेड ठीक है कैन नॉट बी ऑटोमेटेड इनको ऑटोमेट नहीं किया जा सकता है ठीक है कैन नॉट बी ऑटोमेटेड ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है हु? और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक हम लोग सभी के बारे में बात करेंगे अब इसके जो एप्लीकेशंस हैं मीजरिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर जो आपकी जीनोटेपिक फिनोटेपिक डाइवर्सिटी है उसको भी यूज कर सकते हैं फिंगर प्रिंटिंग में मैंने बताई दिया वहाँ पे यूज करते ही हैं यस कांस्टेंट सप्लाई नहीं आप जो है ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग भी बीच में करनी होती है आपको आपको डाइजेशन भी करना होता है आपको एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करना होता है तो ऑटोमेशन हम नहीं करा सकते हैं ठीक है थीके? अगर लास्ट स्टेप इसका एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता तब कर सकते थे ठीक है उसके बाद आपको नाइट्रोसेलोलोज क्योंकि मेम्ब्रेन को वहाँ से उठा के कहाँ पर एक्सरेज के साथ में एक्सपोज भी करना है तो सारी चीज़ें ऑटोमेट नहीं हो सकती हैं कॉन्स्टेंट सप्लाई की वजह से ही नहीं उसके कई रीजन है <coughs> ब्लॉटिंग वाला रीजन है ठीक है ब्लॉटिंग के अलावा आपका जो है आ, क्या बोलते हैं इसको ऑटो रेडियोग्राफी वाला जो है वो भी रीजन है दोनों रीजन है ठीक है तो दोनों रीजन हाँ वॉशिंग वाला है हाँ इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं विच कैन नॉट बी ऑटोमेटेड वॉशिंग को फिर भी ऑटोमेट कर सकते हैं बट आप मेमरेल को उठा के फिर एक्सपोज कर रहे हो फिर वहाँ से आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड नहीं हो सकती हैं एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम लोग नहीं कर सकते उसके लिए मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे आपको <coughs> हाँ, इसके बाद जीनोटिपिक सिलेक्शन की बात हो रही है जीनोटिपिक सिलेक्शन का मतलब ये है यूनिवर्सल <coughs> प्रोब्स आप लोग यूज करो रैंडम प्रोब्स आप लोग यूज कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग द अननोन डीएनए देन देन यू यू कैन कैन यूज देन यू कैन यूज दिस यूनिवर्सल प्रोब्स या फिर जो है वहां पे रैंडम प्रोब्स यूज कर सकते हो रैंडम का मतलब आपने वो रैंडमली डिजाइन किए ठीक है ठीक है? है समझ में आ गई बात आशुतोष Is that clear to you? Hmm? <coughs> हाँ इसके बाद जीनोटिपिक इंडायरेक्ट सिलेक्शन यूजिंग क्वान्टिटेटिव ट्रेड लोग या फिर जो है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए जीनो टाइप मतलब हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस है या फिर अगर आपको ये पता करना है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर जीनोम के किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोमिक डीएनए में है या नहीं है तो वो चीज़ भी हम लोग किससे पता कर सकते हैं वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ आर एफ एल पी ठीक है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जीन पेरेमिडिंग या जो जीनोटिपिक पेरेमिडिंग है मतलब एक तरीके से एक चीज़ को सिलेक्शन करते जाते हैं इंट्रोग्रेस करते जाते हैं उसको एक एक ही एक ही चीज़ को बार 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 जब सेलेक्ट किया जाता है तो उसको पेरेमिडिंग बोलते हैं ओके चलिए नेक्स्ट जो है हम लोगों का दैट इज आर ठीक है इसके जो है आ, कई नाम हो सकते हैं ए पी ठीक है इसके अलावा डी ए एफ डी एन एम्पलीफिकेशन फिंगर प्रिंटिंग या फिर जो है मल्टीपल आर्बिटेरी एम्प्लिकॉन प्रोफाइलिंग भी कहते हैं तो आपको जैसे मालूम ही है कि आर ए पी डी रेंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉरफिक डी एन ए तो इसमें पीसीआर यूज होता है सो एनी डीएनए सेगमेंट दैट इज एम्प्लीफाइड यूजिंग द प्राइमर्स और ये जो प्राइमर्स होंगे यहां पे ये भी आर्बिटेरी आर्बिटेरी का मतलब ये होता है कि आपने खुद से डिजाइन किया वो रैंडम है रेंडम सीक्वेंसिज है हु? आप कोई स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज नहीं कर रहे हो अगर स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज करोगे तो वहां पे केवल वही सीक्वेंस आपकी एम्पलीफाई होके आएगी जहां पे जहां पे वो प्राइमर जाके बाइंड करेंगे ठीक है ठीक है तो एम्प्लीफायर एंड पॉलीमरे चेन रिएक्शन इसका मतलब यह है कि हम लोग रैंडम प्राइमर्स यूज करके सीधे सीधे पीसीआर कराते हैं और पीसीआर के बाद जो एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं उनको हम सेपरेट आउट करते हैं किसके ऊपर वी सेपरेट आउट देम ऑन द एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और वहां पे सेपरेट आउट करने के बाद क्या करते हैं उनका डिटेक्शन कर लेते हैं ठीक है तो अगर आपको कहीं पर एपीपीसीआर डी एफ या फिर एम ए ए पी ये लिखा हुआ भी दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि किसके बारे में बात हो रही है दे आर टॉकिंग अबाउट आर डी रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलिमोर्फिक डीएनए ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये डोमिनेंट मार्कर है ठीक है ये किस टाइप का मार्कर है डोमिनेंट मार्कर है डोमिनेंट मार्कर का मतलब भी आप लोगों को पता चलेगा कि डोमिनेंट मार्कर क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट मार्कर ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को तो आगे बढ़ते हैं सिंपल है कि आर जो है वो पीसीआर का यूज करते हैं और हम लोग जो है यहाँ पे जीनोमिक डीएनए यूज करेंगे टू एम्पलीफाई द मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ जीनोमिक डीएनए विद द हेल्प ऑफ पीसीआर और आर्बिटेरी का मतलब वही है रैंडम ठीक है आप रैंडम ठीक है रैंडम रैंडम प्राइमर्स आप लोग यहां पे लिख सकते हो ठीक है रैंडम प्राइमर्स वो आपके खुद के डिज़ाइन किए हुए होंगे वो कहीं से उठाए हुए नहीं होंगे ठीक है आप खुद से डिजाइन करोगे इफ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन द प्रोटोकॉल फॉर द आर ए पी डी देन यू आर गोइंग टू डिज़ाइन योर ओन प्राइमर्स रैंडम प्राइमर्स और फिर आप करके देखो दो चार पाँच दस पाँच एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं प्राइमर्स या नहीं कर रहे हैं उसके बाद में आप उनको चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन uh, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है नेक्स्ट hmm? पॉइंट क्या है टैग पॉलीमरेज का यूज करेंगे एम्पलीफिकेशन के लिए <coughs> इसके बाद जो आर एपीडी पॉलीमोरफिजम है रिजल्ट फ्रॉम द चेंज इन द प्राइमर बाइंडिंग साइट ये इंपॉर्टेंट है अगर दो डीएनए सीक्वेंस के अंदर अगर प्राइमर जहां पे बाइंड करता है उस सीक्वेंस में अगर कोई चेंज आ जाता है तो वहां पे प्राइमर बाइंड नहीं कर पाएगा हम्म hmm? वहां पे प्राइमर बाइंड नहीं कर पाएगा और प्राइमर की बाइंडिंग नहीं होगी तो वो बैंड मिसिंग होगा है कि नहीं हुँ? और जिसके अंदर वो प्राइमर उस स्पेसिफिक लोकेशन पे बाइंड करेगा तो वहां से हमें बैंड मिलेगा हुँ? अभी अभी बताता हूँ बेटा डोमिनेंट का मतलब क्या है अब देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे वेरिएंट ए वेरिएंट बी ये दो डीएनए की सीक्वेंसेस हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल के बेसिस पे ली हैं प्रिंसी बेटा मैं बताऊंगा डोंट वरी आई विल ठीक है हाँ तो ये दो डीएनए सीक्वेंस है अलग अलग स्पीशीज मान लो वैरायटी कह लो ठीक है दो अलग-अलग ऑर्गेनिज्म -अलग का डीएनए है तो आपको पता है दो प्राइमर यहां पे बाइंड कर रहे हैं दो प्राइमर यहां पे बाइंड कर रहे हैं ठीक है और एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो अपोजिट डायरेक्शन में जो बाइंड करते हैं ठीक है जो अपोजिट डायरेक्शन में जो बाइंड करते हैं जो प्राइमर्स उतने ही साइज का फ्रेगमेंट आपको दिखाई देता है यह बात पता होनी चाहिए ठीक है सभी बच्चों को यह बात पता होनी चाहिए आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट ठीक है तो जैसे यहां पे ये अपोजिट डायरेक्शन में बाइंड कर रहे हैं तो एक फ्रेगमेंट आपको यहां से लेके यहां तक का मिल गया जैसे दिख रहा है यहां पे ठीक है दूसरा फ्रेगमेंट आपको यहां से लेके यहां तक का मिल गया हु? लेकिन जो सेकेंड वाला जो वेरिएंट है इसके अंदर आपको कितने मिले यहां पे आपको दो बैंड दो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए दो दिख रहे हैं वेराइटी ए में के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं सेकेंड वाले की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक प्राइमर इस वाली साइट पे बाइंड नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है यहां पर जो सीक्वेंस है वो इसके कंपेरिजन में डिफरेंट है कि नहीं है इसलिए प्राइमर हमारा यहां पे बाइंड नहीं कर पा रहा है और प्राइमर की बाइंडिंग नहीं हो रही है तो सेकंड वाला जो बैंड है वो मिसिंग है एम्पलीफाई नहीं हो रहा है हुँ? हु? है कि नहीं यस yes no? तो अगर आप इन प्राइमर्स का इस प्राइमर का यूज करोगे जो यहां पे हम लोगों ने यूज किया और आप दो वेरायटी का डीएनए आप लोगों ने यूज किया तो फर्स्ट वेराइटी के लिए आपको दो बैंड दिखाई देंगे और सेकेंड वेराइटी के लिए आपको सिंगल बैंड दिखाई देगा है कि नहीं यस और नो ठीक है ये चीज समझ में आई तो यही प्रिंसिपल है यहां पे जहां जहां पे आपका एक ही सिंगल सिंगल प्राइमर हम लोग यूज करते हैं सिंगल प्राइमर ही हमारा मल्टीपल जगह बाइंड कर जाता है ये प्राइमर की सीक्वेंस अलग अलग नहीं है यहां पे डबल प्राइमर हम लोग यूज नहीं करते हैं दो अलग अलग प्राइमर यूज नहीं करते हैं ठीक है वी यूज अ सिंगल प्राइमर सिंगल प्राइमर हर जगह पूरे डीएनए पे जहां जहां पे उसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दिखाई देती है वहां वहां पे बाइंड कर जाता है ठीक है जैसे यहां पे बाइंड कर गया यहां पे बाइंड कर गया यहां पे बाइंड कर गया ठीक है यहां पे भी बाइंड कर गया यहां पे भी बाइंड कर गया यहां पे भी कर गया यहां पे भी कर गया और यहां पे भी कर गया तो बताओ यहां से आपको कितने बैंड्स मिलने चाहिए ठीक है क्लोज वाले बैंड्स आप मुझे बताइएगा एक तो बैंड मैं यहां पे बना देता हूं एक तो ये हो गया आपका बैंड एक जो है यहां से यहां तक का हो जाएगा एक क्या हो जाएगा एक यहां से यहां तक का हो जाएगा तो मेरे हिसाब से वन एक हो जाएगा टू एक हो जाएगा थ्री ठीक है इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो एक बैंड आपका ये हो जाएगा फोर ठीक है और एक बैंड आपका ये हो जाएगा ठीक है तो इन टोटल आपको कितने बैंड मिलेंगे फाइव मिलेंगे इस तरीके से आप लोग ये भी बता सकते हो कि Uh, किस पर्टिकुलर डीएनए uh, के साथ में आपको कितने बैंड्स मिलते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक गेट में एक बार पूछा गया था सिमिलर प्रिंसिपल पे ठीक है ऐसे ही आपको बताया गया था कि ये प्राइमर यहां पे बाइंड करता है ये प्राइमर यहां पे बाइंड करता है वहां पे मल्टीपल पेयर्स ऑफ प्राइमर्स यूज किए गए थे तो बस वहां पे ध्यान यही रखना था आप लोगों को कि जो अपोजिट डायरेक्शन में आपके मूव करेंगे उसी साइज का आपको फ्रेगमेंट मिलेगा ठीक है ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग जब इसके बारे में बात हो रही हो जहाँ पे जो बीच का जो साइज है डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जैसे टू के बी से ज्यादा हो गया या थ्री के बी से ज्यादा हो गया तो वो बैंड्स हमें दिखाई नहीं देते उनका पूरा एम्प्लीफिकेशन हो नहीं पाता है रीजन क्या है उसका अगर आप लोगों ने पीसीआर पढ़ी हो तो पीसीआर के अंदर जो हम लोग एक्सटेंशन टाइम रखते हैं एक्सटेंशन टाइम मतलब फाइनल एम्प्लीफिकेशन का जो टाइम रखते हैं वो कितना रखा जाता है वो किसके बेसिस पर रखा जाता है कोई बता सकता है मुझे कोई बच्चा कैन एनी वन मी पीसीआर किसी ने कैरी आउट किया है यहां पे कितने बच्चे हैं प्लीज टेल मी कितने बच्चों ने पी सी आर यूज किया बेटा बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने पीसीआर कभी किया है डीएनए आइसोलेट किया है कि नहीं किया बट पीसीआर तो किया होगा आने वाले टाइम में पी ऐसा होने वाला है कि घर घर में पी होगा जैसे ओवन पहले बहुत रेयर दिखाई देता था ना घरों में अभी सभी के घरों में ओवन मिलता है ऐसे ही पी भी आ जाएगा आपको अपने डी का एनालिसिस करना है ओके के एम्प्लीफिकेशन करा के देख लेते हैं प्राइमर्स ऑर्डर कर देंगे पी कर लेंगे जेल रन करके देख लेंगे हुँ। जल सिस्टम भी उसके साथ में अटैच आएगा हम्म नहीं हाँ बहुत कॉमन मतलब कॉमन होने वाला है इन द रिसेंट टाइम दस साल लगेंगे या पंद्रह साल बट हम लोग देख पाएंगे उन चीज़ों को वो भी ट्रांसफॉर्मेशन देखना बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल कि हर एक घर में कोई भी जो है जो भी है अपना एनालिसिस खुद ही कर पा रहे हैं या होने वाला है बिल्कुल होगा देख लेना न? हाँ किसी बच्चे ने किया है पीसीआर के नहीं किया है देखो बेटा वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से कितने साइज का फ्रेगमेंट जो है एम्पलीफाई कराना है ठीक है अगर आपको जो है यहाँ पे जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंशन टाइम वन वन मिनट रखता हूँ ठीक है जो मैंने आर के अंदर जो पीसीआर यूज किया है वहां पर एक्सटेंशन टाइम मैंने कर दिया है कितना वन मिनट का ठीक है मैंने कितने टाइम का कर दिया है वन मिनट का कर दिया है ठीक है तो वन मिनट में जो आपका एम्प्लीफिकेशन होगा वो केवल वन के बी तक का हो सकता है तो इससे बड़े जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनका पूरा एम्प्लीफिकेशन होगा ही नहीं हाँ? चीज समझ में आई बेटा या नहीं आई भाई मैंने अगर एक्सटेंशन टाइम पीसीआर का वन मिनट रख दिया है तो एक मिनट में केवल वन के बी तक का डीएनए ही आपका जो है एक्सटेंड हो पाता है ठीक है उससे बड़े जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो पूरे एम्प्लीफाई हो ही नहीं पाएंगे वो वन के बी तक ही होंगे तो उनका एम्प्लीफिकेशन होगा ही नहीं वो बीच में ही रह जाएंगे बीच में ही रह जाएंगे वो ठीक है उनका कंप्लीट एम्पलीफिकेशन नहीं होगा जैसे यहाँ पर टू थाउजेंड बेस बेसिस की डिस्टेंस हम लोग बता रहे हैं तो अगर इस इस फ्रेगमेंट के लिए इस फ्रेगमेंट को हमने जो है एम्पलीफाई किया है जहां पे एक्सटेंशन टाइम पी का हमने कितना रखा है वन मिनट रखा है तो यहाँ पे केवल इधर से ये जो है वन थाउजेंड जाएगा और इधर से ये वन थाउजेंड जाएगा ठीक है आपस में कॉम्पलीमेंट्रीटी तो है नहीं तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनएन थाउजेंड का बना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनएन थाउजेंड का बना आपस में कॉम्पलीमेंट्री है नहीं है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको 2000 का दिखाई नहीं देगा क्लियर yes no? हो गई बात आशुतोष लोकेश प्रिंसी यशिका अवदेश सभी बच्चे प्लीज आंसर करें बेटा चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं तो हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड बेसिस का जो है इसका एम्पलीफिकेशन का रेंज होता है तो हम एक से दो मिनट का जो है एक्सटेंशन टाइम रखते हैं तो उससे ज्यादा का रखने की जरूरत नहीं है ये प्रोटो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है चलिए सबसे पहला एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं एडवांटेजेस में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे इसके लिए आपको जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए होता है क्योंकि हम लोग पीसीआर करते हैं तो नैनोग्राम पिकोग्राम में या फेमटोग्राम में भी आपके पास डीएनए देन यू कैन इजीली एम्पलीफाई इट विद द हेल्प ऑफ पी ठीक है इसके अलावा इसके अंदर रेडियो एक्टिव ऐसे का यूज़ नहीं किया जाता है रेडियो एक्टिव प्रोब्स का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए जो है ये बेहतर मेथड है और इसके लिए जो है हमें स्पेसिफिक प्रोब्स भी नहीं चाहिए होते हैं प्रोब वाली लाइब्रेरी भी नहीं चाहिए होती हैं hmm? इसके अलावा इट प्रोवाइड्स क्विक एंड इफिशियंट स्क्रीनिंग ऑफ द डी तो इनिशियल स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोग आर का यूज़ करते हैं ठीक है और मैंने मल्टीपल लोकाई वाला चीज बताया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी वहां पे मैंने बताया था कि मल्टी मल्टीपल लोकाई को या मल्टीपल लोकेशंस को ठीक है मल्टीपल लोकाई को ये टारगेट करता है ठीक है हुँ? सिंगल लोकस नहीं है मल्टीपल लोकस आप कह सकते हो ठीक है डिसएडवांटेज <coughs> क्या है वही डोमिनेंसी डोमिनेंट ट्रेट आपको केवल पता चलते हैं और डोमिनेंसी से मतलब क्या था वो मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूं ठीक है डोमिनेंसी से मतलब क्या था डोमिनेंसी से मतलब यह था बेटा ठीक है डोमिनेंसी से मतलब यह है सपोज करो यह आपका कैपिटल ए कैपिटल ए है स्मॉल ए स्मॉल ए है ठीक है मैंने यहां पे दो बैंड आपको यहां पे दिखाई दिए एक बैंड यहां पे दिखाई दिया इसमें जो स्मॉल ए स्मॉल ए है इसमें आपको दो बैंड्स इस लोकेशन पे दिखाई दिए अब मान लो इसके बाद आपको कहा जाता है ये ए है ये बी है हुँ? अब ए और बी के अंदर आपको जो है बैंड्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं ठीक है इस तरीके से ठीक है अब बताओ ए और बी में कोई डिफरेंस दिख रहा है बेंडिंग पैटर्न में कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन द दीज थ्री सीक्वेंसेस या दीज थ्री जीनोटाइप्स पहले वाला इसको नंबरिंग कर देते हैं फर्स्ट वन ठीक है फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला है ठीक है फर्स्ट सेकंड ए और बी में जो फर्स्ट और एंड बी है वो आपस में सिमिलर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं सिमिलर <coughs> दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं अब देखो ये दोनों आपके ये भी हो सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए भी हो सकते हैं ठीक है और ये दोनों ये दोनों आपके कैपिटल ए कैपिटल ए भी हो सकते हैं मतलब कहने का ये है अगर कोई अगर कोई अगर कोई मार्कर डोमिनेंट है तो इट इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इट इज अनेबल टू डिफरेंशियट बिटवीन द होमोजाइगस फ्रॉम द हेट्रोजाइगस क्लियर क्लियर, क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई ठीक है तो डिसएडवांटेज पहला इसका यही है कि इट इनहेरिटेड एज ए डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है और देर इज अ बैंड ड्यू टू रिलेटिवली शॉर्ट प्राइमर ठीक है तो इसकी वजह से जो है नंबर ऑफ बैंड जो है ज्यादा होते हैं क्योंकि जो प्राइमर है वो छोटा यूज करते हैं हम लोग ठीक है देर इज ए लार्ज नंबर और लार्ज नहीं ह्यूज नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ बैंड्स ठीक है मतलब बहुत ज्यादा बैंड्स आपको दिखाई देते हैं ठीक है हुँ? बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं उसका रीजन क्या है क्योंकि हम लोग जो प्राइमर है वो छोटा यूज करते हैं अगर आप प्राइमर की लेंथ बढ़ाते हो तो क्या चीज बढ़ती है तो बच्चा मुझे बताएगा बेटा मैंने जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन ये पूछा है ंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्राइमर तो उसकी वजह से क्या होगा उसकी वजह से क्या होगा हुँ? उसकी वजह से स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी ठीक है और स्पेसिफिसिटी हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए हमें ये चाहिए कि हमारा प्राइमर थ्रू आउट द जीनोम हर जगह बाइंड कर जाए पूरे के पूरे जीनोम को कवर कर दे ये कहा गया था ना कि आपका जो मार्कर है वो ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम सबसे पहली सबसे पहली स्लाइड पे मैंने बताया था कि एक आइडेंटिक आइडियल मोलिकुलर मार्कर होने का जो है प्रॉपर्टी क्या होता है वो प्रॉपर्टी यही है कि आपका जो मार्कर है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम थ्रू आउट द सीक्वेंस ऑफ द जीनोम क्लियर हुई है बात ठीक है तो जैसे जैसे हम लोग प्राइमर का लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी ठीक है हम स्पेसिफिसिटी चाहते नहीं है हम चाहते हैं कि हमारा प्राइमर हर जगह बाइंड करे थ्रू आउट द होल जीनो इसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है द प्रोडक्शन ऑफ नॉन पेरेंटल बैंड इन द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द नोन पेडिग्री वॉर इट्स यूज विद अगर अगर आप लोग आर ए पी डी यूज़ कर रहे हो तो आर ए पी डी यूज़ करने का मतलब ये है कि यहाँ पे पेरेंटल और नॉन पेरेंटल के बीच का बीच में आप लोग डिफरेंशिएट करने में आपको बहुत दिक्कत होगी बिकॉज़ यहाँ पे जो हैट्रोजाइगोट्स होंगे और होमोजाइगोट्स को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा ठीक है और लास्ट पॉइंट यहाँ पे कि तो पी सी आर कंडीशन इफ यू आर गोइंग तो टू इंक्रीज द एक्सटेंशन टाइम इफ यू आर गोइंग तो टू डिक्रीज द एनीलिंग टेम्परेचर और गोइंग तो टू इंक्रीज द एनीलिंग टेम्परेचर उसकी वजह से जो बेंडिंग पैटर्न होगा वो आपका कंप्लीटली आपको डिफरेंट मिलेगा ठीक है तो इसलिए पीसीआर की कंडीशन का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है छोटे प्राइमर्स यूज करने पड़ते हैं पेरेंटल नॉन परेंटल का डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है और क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हेट्रोजाइगोट्स को से तो ये इसके जो है सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हैं क्लियर हुई बात आर ए पी डी आर एफ एल पी क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा क्लियर hmm? है कि नहीं है hmm? तो इसके एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ठीक है थीके? और आज हो सकता है बेटा मैं इस क्लास को कल कंटिन्यू करूं मतलब इसके आगे का पोर्शन ठीक है तो अभी मैं बता देता हूं इसको खत्म कर लेते हैं आर को आज ज्यादा टाइम लग गया मुझे थोड़ा जल्दी कराना चाहिए था आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी ठीक है तो जेनेटिक मैप्स क्रिएट करने के लिए हम लोग आरए का यूज करते हैं इसके बाद वही एफ़ वन आइडेंटिफिकेशन एफ़ वन जनरेशन का आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वैरायटी या फिर किसी पर्टिकुलर लाइन का जो है आइडेंटिफिकेशन यूज़ कर आ, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है डाइवर्सिटी की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है सीड टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन मतलब मार्कर से जो असिस्ट होता है तो उसके थ्रू प्लांट्स का जो सिलेक्शन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं मैप बेस्ड क्लोनिंग में इसका यूज़ होता है तो ये एप्लीकेशन आप लोग ध्यान रखिएगा इस पर भी आपको एक आधा एक आधा दो दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा ठीक है मैं अपलोड कर दूंगा बेटा क्लासेस का तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं आई विल अपलोड दैट एज़ वेल ठीक है इसको मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारे बचते हैं ठीक है सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे एएफएलपी की ठीक है एएफएलपी के बाद हम लोग बात करेंगे एसएसआर की ठीक है एसएसआर में वही आई एसएसआर या एसटीआर आप कह सकते हो ठीक है या सभी को कंबाइन करके हम लोग वी कह सकते हैं लेकिन इसको कराने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि वी होते क्या हैं और वी मतलब किसको कहा जाता है कौन सी टर्मिनोलॉजी है और इसके बाद आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा मुझे कि जो हम जब क्रोमोज़ोम की बात करते हैं सपोज़ ये क्रोमोजोम की बात हो रही है ये आपका क्रोमोज़ोम है ठीक है <coughs> तो क्रोमोजोम के कौन कौन से पोर्शन में क्या क्या चीजें होती हैं कहां पे रिपिटेटिव डीएनए होता है कहां पे नहीं होता है लो आसानी के साथ में ठीक है जैसे टर्मिनल्स पे सीक्वेंस होती है यहां पे आपका जो है सेंट्रोमियर सीक्वेंस है सीक्वेंस भी डीएनए होता है ठीक है आपको साथ में यह भी पता होना चाहिए कि रिपिटेटिव डीएनए क्या किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है या नहीं करता है मतलब अगर आपको दूसरे तरीके से पूछा जाए क्या जींस कोडिंग जीन्स प्रेजेंट होती है सेंट्रोमियर में या नहीं होती है बोलो बेटा बेटा सभी बच्चे प्लीज आंसर करें मैंने कहा रिपीटेटिव डीएनए के अंदर कोडिंग जीन्स होती हैं कि नहीं होती हैं। बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल नॉन कोडिंग पार्ट होता है हु? ठीक है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है रिपिटेटिव डीएनए के अंदर कोई जींस नहीं होती है ठीक है अच्छा अगर अगर इसका रोल पूछा जाए उसके जो उसके टर्मिनल्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है लेकिन बीच में रिपिटेटिव डीएनए का क्या काम है ठीक है ये चीजें जब आप समझने की कोशिश करोगे ना बेटा तभी समझ में आएंगी मैं आपको पूछ रहा हूं रिपीटेटिव डीएनए क्यों है क्या जरूरत है इसकी इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोजोम इन द मिडिल टर्मिनल्स पर ठीक है मान लिया हमने कि क्रोमोजोम को प्रोटेक्ट करता है लीनियर डीएनए होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिपीटेटिव सीक्वेंसेस की जरूरत पड़ेगी ठीक है मान लिया हमने हु? लेकिन बीच में क्यों ए? पड़ा हुआ है बीच में क्यों प्रेजेंट है ये <coughs> हा वट इज प्रेजेंट इन द मिडल रिपीटेटिव डीएनए हुँ? अरे एक चीज़ आप लोग कह सकते हो ना काइनेटोकोर बाइंडिंग चलो सेंट्रोमियर की जो है आपकी उसकी उसकी वजह से मैं मान लेता हूँ इस चीज़ को सेंट्रोमियर में रिपीटेटिव डीएनए होता है उसकी वजह से लेकिन मान लो ना तो टर्मिनल्स पे है ना सेंट्रोमीयर पे है ये जो ये जो बीच की जो आपको आर्म्स दिखाई दे रही है क्रोमोजोम की उसमें बीच में कहीं पे है तो वहाँ पे भी ये काम कर रहा है वहाँ पे भी प्रेजेंट है क्यों प्रेजेंट है देखो रीजन समझने की कोशिश करो ये जो ये जो एक क्रोमोजोम के ऊपर आगे पीछे जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है भाई अगर मैं कहूं ये आपका क्रोमोजोम था इसके अंदर कोई आपका रिपीटेटिव डीएनए यहां पर नहीं था मान लो ठीक है यहां पर कोई भी कोई भी जो है रिपिटेटिव डीएनए नहीं था ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी हाँ, को मेंटेन करता है बिल्कुल डीएनए कॉम्प्लेक्स होगा अगर मतलब उसके बीच में कोई फिलर सीक्वेंसेस नहीं होगी तो आपका जो है डीएनए सिंपल होगा हुँ? अब मैं क्या करता हूं अलग कलर से यहां पे बना देता हूं ठीक है तब आपको शायद समझ में आए रिकॉम्बिनेशन <coughs> को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिकॉम्बिनेशन जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं रिकॉम्बिनेशन को आपका रिपीटेटिव डीएनए अफेक्ट करता है या नहीं करता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए yes no. हाँ तो देखो ये चीज मैं इसलिए कहता हूं कि ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है ठीक है अब ये क्रोमोजोम आपका ऐसा हो गया है ठीक है ऐसे मान लो हम्म है कि नहीं तो यहाँ पे अगर एक जीन यहाँ पे होगी एक जीन यहाँ पे होगी दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई और डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, हुँ? है के नहीं हाँ, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए इस तरीके से आपको सोचना चाहिए हु? कि देखो सिर्फ ऐसा नहीं है रिपीटेटिव डीएनए का को कोई काम ही नहीं है चलो टर्मिनल्स पे मान लिया काइनेटोगोर का भी मान लिया इसके अलावा भी तो रोल हो सकते हैं है क्या नहीं जींस के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने का काम भी करता है आपका ठीक है इसके बाद मैं जो बोल रहा हूं कि VNTR के बारे में मैं काफी डिस्कस आप लोगों के साथ में क्योंकि एक आधा एक आधा क्वेश्चन डी से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है कि वॉट आर बेसिकली वी तो आप लोगों ने नाम तो सुन रखा है ये तो पता है लेकिन कहाँ कहां पे इनके क्या क्या रोल हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो ये दो हो गए ए हो गया एस हो गया इसके अलावा वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट एस एन पी ठीक है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके अलावा ई एस टी एस ठीक है ई एस टी ई एस टी मार्कर्स तो ये चार मार्कर्स मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने हैं अभी चार क्या पाँच मान लो ठीक है कौन कौन से एफ एल पी है एस एस आर है एस एन पी है ई एस टी है इसके अलावा भी एक दो होते हैं उसके अलावा हम लोग जो है क्या बात करेंगे क्वेश्चन जितने भी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में तो उनके बारे में भी डिस्कशन होगा ठीक है बेटा कल की क्लास में यस यस yes, yes. चलो इसके बारे में बात कर लेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50 परसेंट से ज्यादा क्यों नहीं होती है देखो बेटा जेनेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है नहीं बट आई लेट यू नो कि क्या रीजन हो सकता इसका, है इसका ठीक है बट 50% परसेंट से ज्यादा और क्या चीज होगी 50% परसेंट से ज्यादा का मतलब यह है कि अगर एक ही क्रोमोजोम पे दो जीन एकदम टर्मिनल्स पे भी हो ठीक है अगर मैं यहां पे बात करूं कि यह आपका क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम की हम लोग बात कर रहे हैं लाइक दिस ठीक है और दो जीन आपके एकदम टर्मिनल्स पे है तो इनके बीच की रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 परसेंट ही होती है उससे ज्यादा नहीं होगी तो चलो रीजन मैं बता दूंगा आपको अभी मुझे नहीं पता है बेटा हाँ जेनेटिक्स मैंने पढ़ाई भी नहीं है बहुत टाइम से पढ़ी भी नहीं है ठीक है तो आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो ठीक है क्यों नहीं होती है फिफ्टी से ज्यादा इसका रीजन बताया जाएगा आपको ठीक है और किसी को कोई डाउट है आर एफ में तो बेटा मुझे बताओ इफ देर इज एनी डाउट अबाउट द आर ए पी डी और आर एफ एल पी जस्ट टेल मी बताइए हाँ तो कल क्या क्या होगा मैं क्लास बेटा कल पांच बजे से रखता हूँ, ठीक है फाइव टू सेवन मैं दो क्लासेस शायद रखने का सोच रहा हूँ, ताकि आप लोगों का कल ये कंप्लीट हो जाए फाइव टू सेवन पी एम और एक मैं सोच रहा हूँ कि नाइन ओ क्लॉक से या टेन ओ क्लॉक से टेन टू इलेवन वो पी वाई क्यू वाली क्लास ठीक है टेन टू इलेवन पी एम ठीक है ये कर लेंगे ठीक है ना ओके हाँ बीच में कुछ टाइम चाहिए थोड़ा सा तो फाइव टू सेवन टेन टू इलेवन लेनी पड़े बारह बजे क्लास लेनी पड़े क्लास होगी आपकी ठीक है हाँ तो सभी कुलीग्स जो भी आपके दोस्त हैं सभी को बताइए चैनल सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए क्लासेस के लिंक अपने फ्रेंड्स कुलीग्स जूनियर सीनियर सुपर डुपर सीनियर जो भी हैं सबके साथ में हुँ? हाँ ठीक है चलिए ओके देन हाँ या बाय एवरीवन वी विल मीट यू टुमारो आई विल मीट यू टुमारो एट फाइव ओ क्लॉक ठीक है ओके